नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का कुनबा जनता के विश्वास से मजबूत होता जा रहा है और उधर बीजेपी की हालत उस डूबते जहाज की तरह हो गई है जिसमें से नेताओं के भाग निकलने की हड़बड़ी दिखाई दे रही है। मोदी एक राज्य से दूसरे राज्यों का दौरा करके अपने लिए तीसरी बार भी सत्ता जुगाड़ करने में लगे हुए हैं, जबकि इधर न बीजेपी के सहयोगी उसके साथ टिक पा रहे हैं और न ही बीजेपी के सांसद फिर से चुनाव लड़ने को तैयार दिख रहे हैं। गुरुवार को और शुक्रवार की आधी रात को बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया और आज शनिवार को अभी से थोड़ी देर पहले 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने से पहले दो बीजेपी सांसदों ने पार्टी आलाकमान को बता दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही सक्रिय राजनीति में रहेंगे। और ये दोनों सांसद हैं गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा। ये दो तो सिर्फ एक नमूना के तौर पर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो आप कहें कि घोषणा भी जिन्होंने नहीं की है, जिन्होंने किसी तरह का ट्वीट या किसी तरह का मैसेज नहीं फ्लोट किया, लेकिन उनके नाम कट गए हैं। और लेकिन इन दोनों सांसदों के अलावा क्या बीजेपी के जहाज को छोड़कर उतरने की तैयारी में और भी नेताओं ने अपनी राह बना ली है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। खैर, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी बिखराव का शिकार हो चुकी है और वहीं इंडिया गठबंधन में विश्वास का सीमेंट लगता दिख रहा है, मजबूत होता दिख रहा है। 3 मार्च यानी कल बिहार में पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन जनविश्वास महारैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने वाला है। और तेजस्वी यादव, आप जानते हैं कि 20 फरवरी से जनविश्वास रैली पर निकले हुए थे जो कल पटना पहुंचकर पूरी होगी ये रैली, और वहीं पे ये रैली होगी। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है और राहुल ने आज मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बड़ा ऐलान किया है कि सरकार में आने पर किसानों को MSP देंगे। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी, ये देख रहे हैं आप विजुअल। राहुल गांधी की आज फिर से 6 दिनों के विश्राम के बाद राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई और मुरैना पहुंची उधर धौलपुर से, और मुरैना पहुंचते ही यानी मध्य प्रदेश पहुंचते ही यहां पर उन्होंने क्या कुछ ऐलान किया है, सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 10-15 उद्योगपतियों का माफ किया है, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया है। आज तक 10 साल में किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। और किसान क्या कह रहा है, किसान सिर्फ MSP मांग रहा है कि भाई हमें सही दाम दिलवा दो। हम मेहनत करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, ठीक है हमारा नाम अदानी नहीं है, अंबानी नहीं है, मगर हम मेहनत करते हैं, देश को भोजन देते हैं, हम सिर्फ सही दाम चाहते हैं और कुछ नहीं। होता क्या है, जैसे ही किसानों का अनाज तैयार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल के दाम गिरा देते हैं, फिर किसानों को अपना माल कम दाम पे बेचना पड़ता है, फिर दाम फिर से बढ़ा देते हैं। तो किसान सिर्फ कह रहे हैं हमें गारंटी दीजिए, कम से कम हमें MSP चाहिए और कुछ नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं MSP नहीं मिलेगी। मैं आपको यहां कह रहा हूं, जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है लीगल MSP हिंदुस्तान के किसानों को हम दे देंगे। तो आपको बता दूं कि राहुल गांधी के कैम्ब्रिज जाने के कारण इस यात्रा को बीच में रोका गया था, लेकिन आज फिर जिस जोश के साथ ये यात्रा शुरू हुई है उसे देखकर बीजेपी में खलबली मच गई है। आखिर बीजेपी को राहुल से सबसे ज्यादा डर क्यों लगता है, ये आपको शायद समझ में आ जाए, क्योंकि यहां MSP, जैसे ही हमारी सरकार वहां आएगी, हम MSP की लीगल गारंटी जो है वो सबके सामने रख देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। और अब तो राहुल के साथ अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी बीजेपी को डराने लगे हैं।
तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों हिले हुए दिख रहे हैं। इसीलिए शायद आज औरंगाबाद में आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के औरंगाबाद पहुंचे थे और वहां नीतीश और मोदी एक ही मंच पर एक साथ आए तो उनके निशाने पर लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार था। लेकिन इस दौरान नीतीश और मोदी के बीच विश्वास का संकट भी दिखा, जिसे दूर करने के लिए नीतीश को कहना पड़ा कि अब हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। सुनिए जरा आप भी नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहां भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहां, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, पांच से तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग पांच से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिलकर के हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़े। तो अभी आप देख रहे थे, कह रहे हैं हम साथ ही रहेंगे। इस बात पर मोदी जिस तरह हंस रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि सत्ता के लिए भरोसे को तोड़ना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बीजेपी के अविश्वास के इस खेल को ही जनता के सामने उजागर करने का काम अब कर रहे हैं। आज सचिन पायलट ने तो यह भी बता दिया कि बीजेपी का हश्र इस बार 2004 के जैसा होने वाला है। सचिन पायलट को सुन लेते हैं, सुनिए। और ये जो भाषण में देखता हूँ कि 300 पार, 400 पार, 500 पार, अगर इतना मजबूत भाजपा अपने आप को समझती है तो फिर तमाम कांग्रेस नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को अपने से जोड़ने की क्यों वो उन्होंने वो जिद पकड़ी हुई है। कहीं ना कहीं असुरक्षा जहन में है, क्योंकि वास्तविकता अलग है। यही 2004 में हुआ था जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। इंडिया शाइनिंग करके उन्होंने चुनाव 6 महीने पहले करवाए और फिर सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई थी। आज धरातल पर लोग आक्रोशित भी हैं, असहज भी हैं, बोल नहीं रहे, क्योंकि वातावरण ऐसा बना हुआ है, किसकी छापा पड़ जाए, किसके यहाँ पुलिस आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, इन सब बातों से लोग सहमे हुए हैं, इसलिए बात खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष की एकता को देखकर एनडीए और बीजेपी कमजोर हुए हैं। और हमें लगता है कि आप देखो, इंडिया अलायंस की जो पार्टीज का वोट शेयर है वो 65% है। इसको देखकर बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं जहन में खतरा पैदा हो चुका है और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि माहौल बनाया जाए। सीएम बजल तो सुन रहे थे आप अभी सचिन पायलट को। 2004 वाली स्थिति हो सकती है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, और चुनाव में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई तो इंडिया शाइनिंग का नारा वहां बुलंद किया जा रहा था। लेकिन क्या कुछ हुआ, उसके बाद 10 साल तक यूपीए की सरकार रही। तो दूसरे दलों और नेताओं को तोड़कर खुद को मजबूत दिखाने वाली बीजेपी असल में कितनी कमजोर हो चुकी है, ये बात आज गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा के फैसलों से भी जाहिर हो ही रहा है। दोनों के चुनाव न लड़ने और राजनीति से दूर रहने के फैसलों से सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी के सांसद अब इस बात से डर रहे हैं कि वो जनता के बीच फिर से कैसे जाएं। अगर हो सके तो मैं अपनी टीम से कहूंगा कि गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा दोनों के ट्वीट को जरा ले आइए। दोनों के ट्वीट में कुछ समानता है, उस समानता को दिखाना आप तक जरूरी है, रखना जरूरी है। और ये दोनों नेता जो हैं, सांसद हैं दोनों, और ऐसे एक नहीं बल्कि कई सांसदों के टिकट कट गए हैं। दिल्ली में 5 सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिए हैं और उन 5 में से सिर्फ एक मनोज तिवारी को रिपीट किया गया है, बाकी 4 के टिकट कट गए हैं, अभी 2 बाकी है। तो ये सब कुछ आप मीनाक्षी लेखी का भी टिकट कट गया है, ये अभी देखेंगे हम कि आगे क्या कुछ होता है और इन सब पे भी चर्चा करेंगे। कोशिश कीजिए कि अगर वो दोनों ट्वीट आ जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन खैर आगे जी
गौतम गंभीर का ये ट्वीट है कि आई हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी टू रिलीव मी ऑफ माय पॉलिटिकल ड्यूटीज सो दैट आई कैन फोकस ऑन माय अपकमिंग क्रिकेट कमिटमेंट्स। देखिए ये पहली लाइन में पढ़ के सुना रहा हूं, जरा इसी ढंग से उनकी लाइन उसको भी ले आइए, जयंत सिन्हा जी का के ट्वीट को भी ले आइए, आपको समझ में आ जाएगी बात, जिस बात को यहां मैं रखना चाह रहा हूं। अगर जयंत सिन्हा का ट्वीट है तो उसको भी ले आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों के ट्वीट में, आपको बता दूं दोस्तों कि इन दोनों के ट्वीट में भाषा एक ही है, इनको क्रिकेट और उनको कुछ और सोशल वर्क्स करना है बस, और भाषा एक ही है, और इन दोनों ने साफ साफ कह दिया। क्या यहां पर मैसेज ये दिया गया है कि आप लोग अपनी तरफ से जनता को बता दीजिए कि आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, हमने तो आपका टिकट काट दिया है। खैर ये देखिए, आई हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी टू रिलीव मी, देखिए बिल्कुल जयंत सिन्हा भी वही लिख रहे हैं, ऑफ माय डायरेक्ट इलेक्टोरल ड्यूटी सो दैट आई कैन फोकस माय एफर्ट्स ऑन कॉम्बैटिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इन भारत एंड अराउंड द वर्ल्ड। देखिए ये भी वही लाइन है, यहां भी ये फोकस हम इस पे करें और वो फोकस क्रिकेट पे करें, ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, वो क्रिकेट पे कर रहे हैं, कुछ लोग और कहेंगे कुछ और करेंगे, कुछ कहेंगे कि मैं अपने बिजनेस पे फोकस रखना चाहता हूं, इतने दिनों में जो पैसे कमाए हैं वो कहां रखूंगा, तो ये सारी बातें आती रहेंगी दोस्तों। लेकिन यहां जनता के बीच फिर से कैसे जाए, ये बात अब मोदी सरकार के जो दूसरे सांसद हैं उनको समझ में आने लगी हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा ही नहीं किया है, या फिर बीजेपी में इस बात की बेचैनी बढ़ रही है कि मौजूदा सांसदों के टिकट काटकर बाहरी लोगों को मौके ना मिल जाएं। मामला जो भी हो, बीजेपी की सेहत के लिए ठीक ये नहीं लग रहा है, और इधर राहुल गांधी के बढ़ते कद से भी बीजेपी को तकलीफ होने लगी है, क्योंकि 10 सालों में मोदी बनाम राहुल का खेल खेलकर राहुल गांधी को कमजोर दिखाने की कोशिश बीजेपी पर ही भारी अब पड़ गई है, और अब मोदी ही कमजोर दिखने लगे हैं। इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के होने से भी बीजेपी में बेचैनी है, लेकिन आज एक चौंकाने वाली खबर आई है दोस्तों, वो खबर यह है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, राहुल को दिन रात कोसने में लगी बीजेपी और उसका पूरा तंत्र इस खबर को कितनी गंभीरता से लेता है, और कैसे राहुल की सुरक्षा को बढ़ाया जाता है, क्या राहुल के आगे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं मोदी, और कल होने वाली जनविश्वास महारैली से क्या हिल जाएगी बीजेपी की जड़ें, ये सब तमाम सवाल जो हैं वो हम सबके जहन में खुद ब खुद आते हैं। और इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जो चौंकाने वाली खबर, उनकी जान के खतरे को लेकर जो चौंकाने वाली खबर है, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा को कम किया गया था, आप जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले सियासी भंवर में फंस गई है बीजेपी, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए इस चर्चा को पहले आगे बढ़ाते हैं, और अभी से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो सूचनाएं आई हैं 195 प्रत्याशियों की, उम्मीदवारों की, कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आ गई है, और उस लिस्ट में किसके नाम है किसके नाम नहीं है वो सब कुछ आपके सामने हम रखेंगे, और ये लिस्ट जो है बीजेपी की है। लेकिन यहीं से एक भगदड़ वाली स्थिति है, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले जो चीजें सामने आ रही हैं, जो ट्वीट्स सामने आ रहे हैं वो मजेदार हैं। देखिए लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 195 सीटों की पहली लिस्ट जारी हुई है, और इस लिस्ट में 34 मंत्रियों को टिकट दिया गया है, 34 मंत्रियों को टिकट, 50 वर्ष से कम उम्र के 47 उम्मीदवार हैं, 28 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, अनुसूचित जाति के 27 उम्मीदवार हैं, 18 अनुसूचित जनजाति यानी ST के हैं, शेड्यूल ट्राइब के, और 57 पिछड़ा यानी OBC वर्ग के उम्मीदवार हैं। चलिए ये सब हम इस पर भी चर्चा करेंगे, पहले सबसे पहले हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पैनलिस्ट साथी, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब, एक तरफ बीजेपी की बैठक 4 बजे शाम तक होती है, आज 195 प्रत्याशियों की लिस्ट और उसमें से कई लोगों के नाम काटे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उधर राहुल गांधी की यात्रा, इंडिया गठबंधन, कल 3 तारीख है पटना में जनविश्वास रैली,
का समापन और गांधी मैदान में एक अलग तरह का माहौल, ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले बीजेपी की ही बात आपके जरिए समझना चाहता हूं कि ये जो लिस्ट आई है, शायद देखे होंगे, अभी थोड़ा बहुत हम दिखा भी रहे थे, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, बीच बीच में लेके हम आएंगे। इस लिस्ट को देखकर क्या कुछ आपके जहन में आता है और क्या यहां से ये जो 400 पार या 370 पार का जो नारा देने वाली बीजेपी है वो यहां फंसी हुई दिखाई नहीं देती? प्रत्याशियों के, उम्मीदवारों के नए नाम की घोषणा तो हो रही है, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात कि कई लोगों के नाम काटे गए हैं, क्या वो चुप रहेंगे, शांत रहेंगे? देखिए राजीव जी, जो 370 पार का नारा है उसे मोदी जी के सांसदों ने ही खारिज कर दिया है। विपक्ष को आप छोड़ दीजिए, जयंत सिन्हा, गौतम गंभीर सीधे तौर पर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 370 पार, 400 पार का मतलब क्या है कि आंधी चल रही है। गोदी मीडिया पर तो आपको मोदी जी की आंधी दिख रही होगी, लेकिन भरोसा तो जयंत सिन्हा को नहीं हो रहा है, गौतम गंभीर को नहीं हो रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हमको चुनाव लड़ने से आप मुक्ति दे दीजिए। सच्चाई ये है और जमीनी हकीकत ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन खिसक रही है। नरेंद्र मोदी का 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी और कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं, कोई पुलवामा की बाद का कोई उस तरह का माहौल नहीं, राम मंदिर का मुद्दा चल नहीं पाया, और इधर किसान और नौजवान जिस तरह से सड़क पर खड़ा हुआ है, राहुल गांधी के उस पूरे यात्रा में वो साथ खड़ा रहा है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, नरेंद्र मोदी की सेहत ठीक नहीं है। और इसीलिए आप गोदी मीडिया के जरिए आप कितना भी प्रचार करवा लें, लेकिन अगर लोग आप में विश्वास नहीं व्यक्त कर रहे हैं, लोगों का भरोसा अगर डगमगा गया है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो गोदी मीडिया दिखाता है कि देखिए मोदी जी बराबर चुनाव जीत रहे हैं, अरे आप केवल 2 चुनाव जीते हैं लोकसभा के, और इस देश के लोग हमेशा एक मौका और देते हैं कि हो सकता है कि मोदी जी 5 साल में ना काम कर पाए हों, समय कम रहा हो, हालांकि सिर्फ उन्होंने 60 महीने मांगे थे, 60 साल पर वो 60 महीने मांगे थे और कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, महिलाओं पर अत्याचार खत्म हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन विदेश से आ जाएगा, और यहां लाइन लग गई नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये सब सब लेकर के भाग गए। अभी जो लोग कहते हैं ना कि हम राम को लाए हैं, अरे भाई आप राम को ला सकते हैं तो नीरव मोदी को भी ला सकते हैं, मेहुल चोकसी को भी ला सकते हैं, इनको भी ले आइए, ये जब लेकर के भाग गए हैं। लेकिन किसानों को MSP देने में आपकी छाती फट रही है, और जो पूंजीपति हैं उनका जो कर्ज है उसको आप बड़े आसानी से माफ कर देते हैं, तो खेल क्या चल रहा है? इस देश की जनता देख रही है, आम आदमी देख रहा है, मिडिल क्लास देख रहा है कि मोदी जी केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। राजीव जी, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि वो मिडिल क्लास जो सत्ता बदलता है, बनाता है, वो इस समय बेहद गुस्से में है, लेकिन चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि वो कहीं नौकरियों में है, कुछ व्यवसाय कर रहा है, उसे डर है कि हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, तो कसमसाया बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है वक्त का, और वो इन्फ्लुएंसर होता है, वही मिडिल क्लास। तो गरीबों की जो स्थितियां हैं, आप नौजवानों को देखिए सड़क पर जिस तरह से वो खड़े हुए, किसानों को देखिए, दलितों के साथ क्या हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश जहां रामराज्य कहा जा रहा है, राम मंदिर तो बन गया, लेकिन एक दलित नौजवान को केवल इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर का बोर्ड लगा रहा है। कानपुर में 2 बेटियां इसलिए आत्महत्या करने पर मजबूर होती है क्योंकि कानून व्यवस्था बड़ी खराब है। ऐसे चलेगा देश, ऐसे प्रदेश चलेगा, और ऐसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? लोगों की आंखों में धूल झोंक करके महंगाई कहां पहुंची हुई है? पिछले 3 दशक में सबसे ज्यादा महंगाई, और आज जो राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा महंगाई इस देश में है, ये मोदी जी जिस तरह के अपने के शानो शौकत है, वो तो गरीबों के लिए कह रहे थे कि हवाई चप्पल वालों को हम हवाई जहाज में उड़ाएंगे, आलम यह हो गया कि जो जूते पहनते थे वो हवाई चप्पल पे आ गए, हवाई जहाज तो छोड़ दीजिए, लोगों की पैंट उतर गई है,
पतलून पे आ गए हैं लोग। लेकिन मोदी जी ने इस देश के साथ जो किया, जो धोखा किया, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आने वाला वक्त मोदी जी का इतिहास लिखेगा तो किन अक्षरों में लिखेगा, कैसे उनका मूल्यांकन करेगा। मोदी जी सोचते तो बहुत हैं कि हम नेहरू पर हमला करके और नेहरू से बड़े दिखने लगे, लेकिन नेहरू के कद के बराबर का आपको उस वो डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो डेमोक्रेटिक जो भावना है, उसका भी तो पालन करना होगा। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कौन सा डर है भाई। मन की बात करने वाले मोदी जी कभी जन की बात नहीं करते, कभी लोगों की बात नहीं करते। सारे आप नियम कानून कायदे थोपते हैं और इसीलिए लोग इस समय बेहद गुस्से में हैं, नाराज हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। और जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं, इस लिस्ट से ही आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मथुरा से हेमा मालिनी को उतार दिया क्योंकि आपको बदलने की हिम्मत नहीं हो रही। हो सकता है कि बॉलीवुड की हीरोइन है तो चुनाव जीत जाए, तो मोदी जी को आपको इस बार तो अपना भरोसा नहीं है। पहले तो मोदी जी कहते थे हम कुछ कोई भी खड़ा कर देंगे वो चुनाव जीत जाएगा मोदी जी के नाम पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सूरत हाल दूसरी है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी खुद समझ रहे हैं और बीजेपी भी समझ रही है, जनता तो तैयार बैठी है जवाब देने के लिए, पलटवार करने के लिए, और वही हश्र होने वाला है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं, अभी दो ट्वीट हमने आपको दिखाए थे और तीसरा ये प्रीतम राव हैं, ये भी लिख रहे हैं, आई हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा टू रिलीव मी ऑफ माय इलेक्टोरल ड्यूटीज सो दैट आई कैन फोकस ऑन माय ऑन डूइंग नथिंग जस्ट लाइक हाउ आई डिड नथिंग एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए बहुत बड़ी बड़ी बात यहां लिख रहे हैं कि हंसी आ रही है इनकी बातों को सुन के। मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से अनुरोध किया है कि वे मुझे मेरे चुनावी कर्तव्यों से मुक्त कर दें ताकि मैं कुछ ना करने पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, जैसा कि एक सांसद सदस्य के रूप में मैंने कुछ नहीं किया। समझ लीजिए ये ये हैं एमपी हैं मध्य प्रदेश मंगलुरु से ये हैं, और नलिन कुमार कातिल कतील साहब है, नलिन कुमार कतील साहब का। ऐसे ही कुछ कुछ अभी ट्वीट्स आते रहेंगे कि जैसा कि मैंने सांसद होते हुए कुछ नहीं किया, वैसे ही कुछ ना करने के लिए मुझे आप फ्री कर दें। लेकिन उधर अब ग्वालियर में शायद यात्रा पहुंचने वाली है और डॉक्टर राकेश पाठक साहब वहीं से जुड़े हुए हमारे साथ, और दिन भर मुरैना से लेकर ग्वालियर तक उधर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर उनके बिल्कुल नासिक पुलिस की जो रिपोर्ट है वो चौंकाने वाली है, और उनको जो इनपुट, उनको जो सूचना मिली है, उस सूचना के आधार पर नासिक पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के मंत्रालय को ये सूचना दे दी है कि राहुल गांधी की जान उसी ढंग से ली जा सकती है जिस ढंग से राजीव गांधी की जान ली गई थी। इसलिए और वो भी इसी दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, एक बहुत गंभीर चिंता का विषय इस देश के लिए भी, और उस यात्रा में थे चूंकि हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ इधर बीजेपी से जो अपडेट्स आ रहे हैं वो हम रखेंगे, ऐसे और बहुत सारे ट्वीट्स अभी आएंगे कि जैसे हमने 5 साल कोई काम नहीं किए वैसे ही आगे कुछ भी ना करने के लिए हमको मुक्त कर दीजिए, ऐसे ट्वीट आएंगे और वो हम आप तक पहुंचाएंगे, सांसदों के नाम भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे जरा समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा और इस यात्रा से कितनी बौखलाई, कितनी परेशान दिखाई दे रही है बीजेपी, क्योंकि अब यह यात्रा उस एरिया में है जहां के गुणा से अब जो वहां के महाराज साहब हैं उनको टिकट दे दिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका नाम है, तो इसलिए भी जरूरी है, और चूंकि ग्वालियर में राहुल गांधी जी। राजीव जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बात कर लें। आपको याद होगा जब राहुल गांधी पहली बार यात्रा पर निकले थे भारत जोड़ो यात्रा में, तब भी उनकी सुरक्षा को लेकर इंदौर में घटना हुई थी। आपको याद होगा वहां एक दुकान में कोई चिट्ठी मिली थी कि उनको बम से उड़ा दिया जाएगा, फिर ये कह दिया गया कि वो सिर्फ आदमी था जिसने चिट्ठी लिखी थी, वगैरह वगैरह। हम लोग लगातार ये महसूस करते रहे हैं कि राहुल गांधी एकमात्र नाम है, एकमात्र व्यक्ति है जो इस वक्त देश की एक छत्र सत्ता है उसको चुनौती दे रहे हैं। तो रास्ते से हटाने का लोकतांत्रिक तरीका तो यह है कि आप चुनाव हरा दीजिए। हरा ही रहे, आप दो बार से चुनाव हरा रहे हैं राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को,
ये बेहतर तरीका है, लेकिन उनको दुनिया के पटल से ही हटा देना, जैसा कि गांधी परिवार के साथ दो बार हो चुका है, श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत हुई, राजीव गांधी की शहादत हुई, क्या ये देश एक बार फिर इस चीज को अफोर्ड कर सकता है किसी नेता की, किसी भी पार्टी का हो? मैं तो कह रहा हूं हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए समाज में, लेकिन राहुल गांधी के जीवन को लेकर अगर कोई खतरा है, कोई इस तरह की चिट्ठी आई है, कोई धमकी आई है, तो सरकार को, गृह मंत्रालय को और सबको, सुरक्षा एजेंसियों को सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी जोड़ना चाहता हूं राजीव जी, इस वक्त राहुल गांधी ग्वालियर में हजीरा चौराहे पर लोगों से बात कर रहे हैं। आप उस दृश्य को देखिए, अगर हमारे हमारी टीम दिखा सके उसे स्क्रीन पर, कितनी भीड़ है, अपार भीड़ के बीच बिना किसी सुरक्षा तामझाम के राहुल गांधी लोगों से हाथ मिलाते हैं, किसी से भी गुलदस्ता ले लेते हैं, किसी से भी माला पहन लेते हैं, कोई कुछ भी उन्हें भेंट कर देता है। अब हमारे देश में वो स्थिति नहीं रही है कि राहुल गांधी इस तरह निर्द्वंद होकर लोगों के बीच जा सके। हम और आप नहीं जानते कि कौन इस भीड़ में वो छुपा हुआ कोई भेड़िया हो, जिसके पास कोई बम हो या कुछ और हो सकता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी की टीम को, उनके शुभचिंतकों को, सबको इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि उनके जीवन पर कोई संकट न हो। ये खतरा लगातार बढ़ रहा है, हम जानते हैं चुनाव आते 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 और खतरा बढ़ेगा। अब आते हैं आज की जो सूची आई है, मध्यप्रदेश की सूची, आपने हमारे महाराज का जिक्र किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, महाराज इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि मैं तो ग्वालियर का हूं और हमारे अंचल में सिंधिया राज घराना 300 साल रहा है, 250 साल। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट दिया गया है। मैं एक राजनीतिक विषय का साधारण विद्यार्थी होने के नाते ये महसूस कर रहा हूं कि उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। भले वे चैनलों के इंटरव्यू में लगातार पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि उनकी इच्छा है, अभिलाषा है, आकांक्षा है, बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया पिछले दिनों उन्होंने एक चैनल पर, कि वे चुनाव लड़ें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पार्टी ने राज्यसभा में लाने का तो सौदे में जो मामला था सरकार गिराने के सौदे में, वहां तक ले आया गया कि आपको राज्यसभा में ले आए सरकार गिराने के एवज में। लेकिन अब आप जनता के बीच से चुनकर आइए और उसी सीट से चुनकर आइए जहां की जनता ने आपको अपने ही पूर्व सहयोगी, अपने पूर्व सांसद प्रतिनिधि के हाथों 1.25 लाख वोटों से हरवा दिया था। तो एक चुनौती तो ये है राजीव जी, आज की तारीख में जो टिकट कटे हैं, आपने 3 ट्वीट तो बता दिए, हो सकता है कुछ और ट्वीट आए, उनमें से एक प्रज्ञा ठाकुर का हो सकता है, वे हो सकता है अध्यात्म के लिए या बाकी जिन गतिविधियों में वे आरोपी है उसके लिए मुक्त होना चाहें, माननीय अध्यक्ष महोदय को ट्वीट करें कि मुझे फ्री कर दिया जाए। विवेक शेजवलकर ग्वालियर का सांसद, उनका टिकट कट गया। विवेक शेजवलकर संघ में इतनी गहरी पैठ रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके पिता नारायण कृष्ण शेजवलकर राज्यसभा से, मैं भी सांसद रहे थे, लोकसभा सदस्य रहे ग्वालियर से, मोहन भागवत से, संघ सुप्रीमो से उनके सीधे रिश्ते, उनका टिकट कट गया है। टिकट मिला है भारत सिंह कुशवाहा को, जो अभी अभी विधानसभा चुनाव में ग्वालियर ग्रामीण सीट से चुनाव हारे हैं। गुमान सिंह डामोर का टिकट कटा है रतलाम सीट से। ऐसे और कई टिकट हैं, हो सकता है इनके ट्वीट भी अभी आते हों, लेकिन ये पहली सूची ये बता रही है मध्य प्रदेश को लेकर कि बीजेपी ने कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर प्रत्याशी नहीं दिए। मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर के चाहिए शिवमंगल तोमर को टिकट दिया गया है, वे इतना बड़ा नाम नहीं है लोकसभा चुनाव के लिए, हमें नहीं मालूम आगे चुनाव में क्या होगा, अभी तो कांग्रेस की सूची आना बाकी है, वो कैसे प्रत्याशी देते हैं इस पर निर्भर करेगा। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह राहुल गांधी के बढ़ते कदमों से चिंतित है। आज की पूरी सूची पूरे देश में, दिल्ली में भी 4 लोगों के टिकट काटे आप बता रहे हैं, तो ये अभी ये बता रहे हैं कि वो जो अति आत्मविश्वास दिखता है 400 पार वाला, वो दरअसल में सिर्फ बयानों तक है, भीतर से कहीं कोई घबराहट है, कोई आशंका है चुनाव में अच्छे परिणाम न मिलने की। जी राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव में अच्छे परिणाम न मिलने के का, और उसमें भी अति आत्मविश्वास, कहीं ना कहीं यहाँ फंस सकती है बीजेपी और भंवर में कैसे फंसी हुई है यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे जरा समझूं, लिस्ट आप भी देख रहे होंगे और नाम, और उसमें कई ऐसे नाम हैं जो बहुत, अब ये ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जिसके ऊपर हाथ रख देंगे वो सांसद बन जाएगा, और दूसरा एक तरफ आप देख रहे हैं ये कतील साहब हैं जो कह रहे हैं कि हमको छुट्टी दे दीजिए क्योंकि मैंने 5 साल काम नहीं किया और आगे भी काम ना करूं, अभी उस ट्वीट को आपने देख लिया। तो जरा यहां से लेकर अब चूंकि चुनाव सामने है वहां तक राहुल गांधी जो चुनौतियां पेश कर रहे हैं वो साफ दिखाई भी दे रहा है, लेकिन बीजेपी
195 सीटों की घोषणा के बाद भी क्या यहां फंसी हुई दिखाई देती है या भंवर से बाहर निकली हुई है? नहीं, भंवर से तो कतई बाहर नहीं निकलती दिखाई दे रही है राजीव जी। देखिए, जो 370 और 400 पार की बातें करते हैं लोग, वो थोड़ा अपना मनोबल, अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के बढ़ चढ़ के दावे करते हैं लोग। उसमें कोई मतलब नहीं, उसका कोई सच नहीं है, सच से कोई लेना देना नहीं है। और टिकट जिस तरह से देखिए, लोगों को लग ही रहा था कि इन लोगों का गौतम गंभीर का टिकट कट जाएगा, मीनाक्षी लेखी का कट सकता, हालांकि मीनाक्षी लेखी तो अपने क्षेत्र में एक्टिव भी थी, काम भी कर रही थी वो, और डॉक्टर हर्षवर्धन है, हंसराज हंस हैं, इन लोगों के टिकट के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि आप बार बार इस तरह से चेहरे बदलते रहेंगे, इसका मतलब कि आप मतदाताओं को ठगते रहेंगे कि आपने एक ऐसा आदमी दे दिया जिसने 5 साल में कोई काम नहीं किया, वो क्रिकेट की कमेंट्री करता रहा घूम घूम कर दुनिया भर में, और हमारा जो हीरो है विराट कोहली उसके खिलाफ चुगलबाजियां करते रहा, और वो अब किसी कातरा का काम का नहीं रहा तो उसको आपने टिकट काट दिया, आप किसी और को देंगे टिकट, तो वो भी 5 साल कुछ नहीं करेगा, फिर आप कहेंगे कि भाई हम बदल दे रहे हैं, चेहरा बदल दे रहे हैं, तो कब तक मतदाताओं को ठगते रहेंगे आप? हमने सुना कि सनी देओल का भी टिकट कटने वाला है, अब अक्षय कुमार आएगा जिसने पूछा था कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, प्रधानमंत्री जी से जिसने पूछा था, अब वो आएगा। कंगना रनौत आएगी चुनाव लड़ने के लिए, तो युवराज सिंह आएंगे अपने छक्कों के लेकर के पंजाब में गुरदासपुर से चुनाव लड़ने, जहां सनी देओल है, इस तरह की चर्चाएं जो हो रही हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपने टिकट मिलने से पहले मना कर दिया, जयशंकर जी, युवराज सिंह ने टिकट मिलने से पहले मना कर दिया है। हाँ, तो अच्छी बात है, मना कर दिया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये मन में डर तो है कि हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे, और मोदी जी के अंदर भी यही है बात है कि उनको लग रहा है, अंदर से वो समझ रहे हैं, वो हर तरह से समझ रहे हैं कि जिस तरह का जो इंडिया गठ अलायंस सामने आ रहा है और जो मुस्तैदी जिस तरह से दिखाई दे रही है, तो उसको देखते हुए बड़े बड़ों की भी नानी याद आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, जो इनका जो दम्भ है, जितना ये अहंकार में बोलते रहते हैं लोग, उसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। और बार बार हम जब कहते हैं, हम अभी हमारे एक मित्र आए हुए थे, बात हो रही थी, उन्होंने कहा नहीं साहब हो जाएगा 300 पार तो बीजेपी चली जाएगी। हमने कहा कि भाई देखो, यूपी में उनके पास 66-67 सीटें हैं, उसमें से कुछ सीटें देंगे जयंत चौधरी को देंगे, कुछ राजभर को देंगे, कुछ निषाद को देंगे, कुछ अनुप्रिया पटेल को देंगे, तो कुल मिलाकर के 70-74 ही तो सीट लड़ेंगे वो, तो सारी जीत जाएंगे तो भी 80-82 तो नहीं हो सकते हैं जी। बिहार में आप 40-39 हैं तो 41 तो नहीं होंगे, 38 होंगे, 35 होंगे, 24 होंगे, लेकिन चलो मान लो 40 भी हो जाए। उसी तरह झारखंड है, उसी तरह से आपका हरियाणा के 10-10 है, दिल्ली में 6-7 आपके पास है, झारखंड में आपके पास है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में 30-29 आपके पास है, राजस्थान में टोटल आपके पास है, गुजरात में टोटल आपके पास है, तो ये सारे अगर पूरा सब कुछ मिल जाता है तब भी आप 300 का आंकड़ा अभी नहीं पार कर पा रहे हैं। उसमें से आपके पास महाराष्ट्र कम हो जाएगा, कर्नाटका में कम हो जाएगा, बंगाल में कम हो जाएगा, बाकी और राज्यों में भी, दक्षिण भारत के राज्यों में कहीं आपकी कोई बैठ नहीं समझ में आ रही है। तो बात दरअसल यह है कि आप जुमलों से कब तक चलाते रहेंगे, जुमले हाँकते रहिए, लंबी लंबी फेंकते रहिए, तो लोग आप सब कुछ समझ चुके हैं। रवि ठीक कह रहे थे कि राम भक्त की जो लहर है, राम लहर तो सो काल जो बनाई जा रही है, बताई जा रही है हमारी गोदी मीडिया के जरिए, उसका उन्हीं लोगों में असर है जो पहले से ही प्रभावित थे, जो पहले से ही राममय थे, भक्तिमय थे, मोदीमय थे, मोदी भक्त जो भी आप कह सकते हैं, अंधभक्त थे, उनके अलावे कोई और कुछ नया तबका खुल करके आ जाए कि हाँ जी केरल में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, तमिलनाडु में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, आंध्रा में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, तेलंगाना में कुछ खास हो गया है, ऐसा कहीं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं कह रहा हूं कि अगर यूपी और बिहार में अलायंस अपने उम्मीदवारों का सही बंटवारा कर देता है, सही उम्मीदवार चुनाव में मैदान में उतार देते हैं दोनों, जब हम दोनों राज्यों में, तो बीजेपी की हालत 2004 की हो जाए तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर यूपी में अखिलेश यादव, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद तीनों ईमानदारी से लड़े और टिकटों के बंटवारे में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना हो, बल्कि एक दूसरे को जिताने की कोशिश अगर हो, या इसी तरह से बिहार में अगर कांग्रेस है, आरजेडी है, ये कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वाम दल है जो, तो अगर इनके बीच में सीटों का ढंग से बंटवारा हो जाए और मिलजुल करके ठीक से लड़े लोग चुनाव, तो बीजेपी आधी पे सिमट जा सकती है, उनका एनडीए गठबंधन आधी सीटों पे सिमट सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही कहने का यही मतलब है कि भाई, एक तो आप जैसे अब जयंत सिन्हा के बारे में कह रहे हो, उनके पिताजी यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, विपक्ष के उम्मीदवार थे, बेचारे वहां घुटन महसूस कर रहे थे,
रहते हुए भी अब उनको लग रहा था कि हम क्या लेकर के मुंह लेकर के टिकट मांगे वोट मांगेंगे, कुछ काम धाम तो कुछ किया नहीं भाई। वोट चूंकि एमपी ने नहीं, उनकी सरकार ने नहीं किया, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। अगर मोदी जी ने कुछ काम किया होता तो इन इलाके में काम होता तो लोगों को दिखाई देता। तो जब मोदी जी ने कुछ नहीं किया, लोकल एमपी ने भी कुछ नहीं किया, अब जब कुछ नहीं किया तो फिर किस मुंह से चुनाव लड़ने जाए, वोट मांगने जाए। इसीलिए ये बार बार इनका एक नाटक चल गया है, हम चेहरे बदल देंगे जी, चेहरे बदल देंगे, नए कैंडिडेट ला देंगे, उससे कुछ बात बन जाएगी। लोग अब समझ चुके हैं, बेरोजगारी का सवाल हो, जिस तरह से अभी रविकांत बता रहे थे एकदम सही बात है, उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य के नाम पर दलितों की हत्या हो रही है, बच्चियों से बलात्कार, जघन्य बलात्कार हो रहे हैं, कानपुर की घटना मतलब शर्म से डूब जाने वाली घटना है। हम एक पकड़ लिया है हमने कि साहब वो पश्चिम बंगाल में कौन सा इलाका है, वहां नहीं गए, वहां नहीं गए। अरे भाई मणिपुर आप क्यों नहीं गए, कानपुर क्यों नहीं गए आप, रामपुर में क्या उस बच्चे का गुनाह था कि अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं जी, उनकी प्रतिमा लग जाए, उनकी तस्वीर लगा करके अगर उसने कुछ किया, भंसन करना चाहा, उसको आपने पुलिस से गोली मरवा दिया, तो ये आपका राम राज्य है, इस तरह की सरकार चला रहे हैं आप। तो बेरोजगारों का सवाल, आप यूपी में देखिए लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, एक तो नौकरियां मिलती नहीं है रही हैं, अब नौकरियों का विज्ञापन निकाल देते हैं, उसमें आवेदन ले लेते हैं, लाखों लाख लोग जमा कर देते हैं, उसमें सारा पैसा भी उनका जाता है, सारी मेहनत जाती है, और पता लगा पेपर होते होते कोई एक पर्चा लीक हो गया, तो पूरी पूरी परीक्षा रद्द हो गई, यानी नौकरी का मामला 5 साल के लिए और आगे खिसक गया। तो इस तरह से जो हो रहा है, युवाओं में किसानों में बेचैनी बढ़ रही है, किसान एकदम पूरी तरह से तंगहाल है। अब 3 रुपए किलो अगर पंजाब के और हरियाणा के किसानों को किलो बेचना पड़े और लोगों को सड़क पर लाकर ट्रैक्टर से रौंदना पड़ जाए, इससे रोने वाली स्थिति और क्या हो सकती है। तो ये सारे आक्रोश अगर एक साथ जमा हो जाएंगे, मुझे लगता है इस चुनाव में 2024 के चुनाव में, और देखिए मैं तो मेरे जैसे लोगों का ये मानना शुरू से रहा है कि 2019 में भी ये हारने वाले थे, हार चुके थे, अगर पुलवामा और बालाकोट नहीं होता तो नतीजे कुछ और होते, ये मेरा अभी भी मानना है, उस समय भी यही मैं कहता था। इसलिए अब इनको समझ में आ नहीं रहा है कि अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात जो अभी आप बता रहे थे राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के, वो बहुत चिंताजनक बात, उनकी सुरक्षा जिस तरह से घटाई गई, सुरक्षा कर्मियों का उनसे हटा लिया गया, वापस ले लिया गया सिक्योरिटी फोर्स, और जिस तरह से पब्लिक में जा रहे हैं वो, एक तो पहली बात यह है कि उनके सामने सुरक्षा के लिए उनके समर्थकों और जो जनता की दीवार बहुत मजबूत है, उस दीवार को भेदना मुश्किल होगा, लेकिन ये लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई। जब गांधी जी की हत्या ये करवा सकते हैं किसी एक प्रार्थना सभा में जाते हुए निशंस हत्यारे के जरिए, जब इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिक्योरिटी गार्ड कर सकते हैं, जब राजीव गांधी की हत्या उनकी सभा में जाने वाले लोग स्वागत करने के लिए माला पहनाने के नाम पे कोई लड़की कर सकती है, तो राहुल गांधी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अपने से डोभाल जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित अपने मुकाम पर पहुंचे, अपना राजनीतिक कार्यक्रम उनको पूरा करने दिया जाए। अगर किसी तरह की कोई बात होती है, हल्की भी खरोंच आती है, तो देश, इस देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों को माफ नहीं करेगा, बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा, मैं कहना चाहता हूं। इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सुरक्षा उनकी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, वो कहेंगे कि हाँ ठीक है आ रहा है मिलने दो, ये कर रहे, लेकिन उसकी एक जांच होनी चाहिए, वो लोगों कौन उनसे मिलने जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, मिलने के लिए जा रहा है वो, चूंकि राहुल गांधी अपना अपनापन दिखाते हैं, अफेक्शनेशन दिखाते हैं कि लोगों को गोद में ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, बुला लेते हैं, हाथ मिलाते हैं, सारा कुछ करते हैं वो, तो इस सब के बावजूद उसकी थोड़ी कहीं ना कहीं स्क्रूटनी भी होनी चाहिए, ताकि उनकी जान पर किसी तरह का खतरा ना हो। और अगर नासिक से किसी ने, अगर सुरक्षा एजेंसी ने या वहां की पुलिस ने अगर इस तरह का कोई आशंका व्यक्त की है, तो उसको गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। और इस बीच ये जो तस्वीर है सीधी आप देख रहे हैं, और ये वही ग्वालियर की तस्वीर सीधे जो अभी कह भी रहे थे हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी, और देखिए ये कितनी भीड़ है, और यहाँ राहुल गांधी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी ग्वालियर में और एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीधी तस्वीर वहाँ से ग्वालियर से। और इस बीच आना चाहता हूँ श्रवण गर्ग साहब आपके पास, पहले आपके पास आता हूँ और आपसे समझूँ, दो बातें यहाँ हैं। एक महत्वपूर्ण बात कि टिकट यानी उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस बीजेपी की तरफ से 195
और उत्तर प्रदेश में 51 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, कैंडिडेट्स घोषित किए गए हैं, जिनमें से 51 में से 47 रिपीट किए गए हैं, मात्र 4 के टिकट काटे गए हैं, 47 रिपीट हुए हैं। ये कौन सा कॉन्फिडेंस है? एक तरफ बीजेपी लगातार, जिसकी बात कर रहे हैं हमारे साथी जयशंकर जी भी कर रहे हैं, और बीजेपी कई जगह, कई राज्यों में कई सारे ऐसे सांसदों के टिकट काट दिए जो अब नाराज होकर ये लिख रहे हैं कि जैसा हमने पहले नहीं किया वैसे ही आगे भी नहीं करने के लिए मुझे मुक्त कर दें। लेकिन यहां यह भी है कि कई टिकट दिए गए हैं और खासकर उत्तर प्रदेश। अभी मुझे याद है परसों डॉक्टर राकेश पाठक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी जी, मैं आपने जो टिकटों के बाद के असंतोष के कुछ संकेत आ रहे हैं, मैं अभी अभी एक ट्वीट देख रहा हूं, मैं चाहूंगा, मैंने भेजा है उसको भी दिखा दें। अजय बिश्नोई जो मंत्री रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं मध्य प्रदेश में, जबलपुर से विधायक हैं, जबलपुर से आशीष दुबे को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। अजय बिश्नोई जो ट्वीट कर रहे हैं मैं पढ़ के सुना देता हूं। भाजपा ने आशीष दुबे जी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, पार्टी के निर्णय का स्वागत है। हमें भूलना होगा कि हमारे चुनाव में आशीष जी ने पार्टी के विरोध में काम किया था। भाजपा को जिताना ही हमारा लक्ष्य होगा। मैं चंडीगढ़ में एक अस्पताल में भर्ती हूं, आज मेरा एक ऑपरेशन हुआ, जल्दी स्वस्थ होकर चुनाव मैदान में आऊंगा। एक तरफ को ये याद दिला रहे हैं कि आशीष के उनके खिलाफ काम किया था लेकिन पार्टी को जिताना है, तो ये असंतोष के धीरे धीरे चिंगारियां देखना शुरू हो गई है। बहुत सीनियर लीडर है मध्य प्रदेश का अजय बिश्नोई जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आप कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विद्रोह के सुर जो हैं वो सुनाई देंगे, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे ही इसी बीच इसी प्रोग्राम में। आप देख लीजिए दोस्तों, 4 ट्वीट तो आपके सामने हम रख चुके हैं और ऐसे कई और सारे ट्वीट आएंगे और वो मैसेज आएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन श्रवण गर्ग साहब, आपसे जरा समझना चाहता हूं, एक तरफ ये जो नरेंद्र मोदी जी का वो देखते रहे हम कि 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक इंसान के, एक सांसद या एक विधायक के साथ पीछा करता हुआ दिखाई देता है, उसको किनारे करो, नए को खड़ा कर दो। लेकिन दूसरी तरफ अभी 2 दिन पहले हम लोग उत्तर प्रदेश का के बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा कर रहे थे जब राहुल गांधी की यात्रा उधर से गुजर रही थी, और आपने ही छेड़ा था कि आखिर वहाँ योगी आदित्यनाथ क्यों शांत रहे। उस चर्चा को भी आज थोड़ा आगे बढ़ाएंगे आपके जरिए। दूसरी बात कि उसी उत्तर प्रदेश में 51 प्रत्याशियों की घोषणा होती है और मात्र 4 के टिकट काटे जाते हैं, हालांकि इसमें न ही वरुण गांधी अभी तक आए हैं सामने और न ही मेनका गांधी सामने आई हैं, इन लोगों के नामों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, अभी देखते हैं। 80 सीटें हैं अभी, और 80 में से भी इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को देना भी पड़े, उनके जो हैं नाराज भी दिखाई दे रहे हैं, 2-2 टिकट दे रहे हैं। जयंत चौधरी को मात्र 2 टिकट की बात हो रही है, राजभर को मात्र 2 टिकट की बात हो रही है, तो उसमें भी नाराजगी दिखाई दे रही है। आपसे समझना चाहता हूं, एक तो ये सूची आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के जो हौसले, जो अभी तक 400 पार के जो नारे लगा रहे हैं, नारे और सूची, उनके काम 5 साल नहीं बल्कि 10 साल, यानी 60 नहीं बल्कि 120 महीने का काम, इन सबको सामने रखा जाए तो कितना दावा, उन दावों में कितना दम, ये सब क्या कुछ आपको दिखाई देता है, जरा आपके समीक्षा इस पे। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए गर्ग साहब, गर्ग साहब अनम्यूट कर लीजिए। एक तो मुझे लगता नहीं है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट देंगे, क्योंकि अभी जो चर्चाएं चल रही है उसमें ये चल रही है कि वरुण गांधी खड़े हो सकते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी में, और हो सकता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े हो जाएं, कांग्रेस उनको समर्थन दे दे, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो मैं केवल ये राकेश पाठक जी ने जो बात कही मध्य प्रदेश की, उसमें 2-3 चीजें जोड़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा उससे आपको आइडिया मिलेगा जी। 24 लोगों को इन्होंने टिकट दिए 29 में से, उसमें 5 को होल्ड पे रखा, अभी इम्पोर्टेंट सीट्स हैं वो भी 5ों, उसमें इंदौर की सीट भी है। देखिए जितने लोगों से इन्होंने इस्तीफे दिलवाए थे लोकसभा से विधानसभा लड़ने के लिए, उसमें जो एक नाम स्ट्राइकिंग है वो है फगन सिंह कुलस्ते। ये मिनिस्टर थे जो इनकी सरकार में मोदी जी के, मतलब अभी भी हैं,
और ये मंडल में विधानसभा का चुनाव हार गए थे कांग्रेस के कैंडिडेट से। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 9,723 मतों से ये हार गए थे। उनको टिकट दिया गया है क्योंकि उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। बाकी जितने मंत्री थे जिनको केंद्र से हटाकर इस बिना पर मध्य प्रदेश में लाया गया विधानसभा लड़ाने के लिए कि उनसे लोकसभा लड़वाया जाएगा, उसमें प्रहलाद पटेल को टिकट नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट नहीं है, राकेश सिंह को टिकट नहीं है, केवल वीडी शर्मा को टिकट है। वीडी शर्मा भी राज्यसभा में थे जी। भोपाल से ये जिक्र किया ही है, प्रज्ञा ठाकुर को नहीं दिया गया है। ये बड़ा इंडिकेटर है कि प्रज्ञा ठाकुर को क्यों नहीं दिया गया। क्या कुछ कह रहे हैं राकेश पाठक, कुछ कहना चाहते? सर वी डी शर्मा खजराव से सांसद है, राज्यसभा में नहीं रहे वो। कौन? मैं वही कह रहा हूँ, वीडी शर्मा जी। कहा मैंने अच्छा। वही कहा कि वीडी शर्मा राज्यसभा में थे और उनको लोकसभा में नहीं थे। अच्छा, लोकसभा से थे? राज्यसभा में जी सर, राज्यसभा में कभी नहीं रहे वो। नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष थे और उसके बाद लोकसभा पहला टिकट मिला उनको खजराव से और वहां से जीते। एक हाल ही में और मिला सांसद को सर, गणेश सिंह को। ठीक, गणेश सिंह भी हार गए, उनको भी टिकट दिया गया जी सर। इसका मतलब है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि किन लोगों को इनको मजबूरी में टिकट देना पड़ रहे हैं और जिन लोगों को विधानसभा लड़वाया गया इस उम्मीद से कि ये लोग लोकसभा जीत जाएंगे, वो उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। इसमें एक किस्म की निराशा झलक के आ रही है कि आप जैसे सिंधिया का इन्होंने बताया गुना से, अब क्या गारंटी है कि सिंधिया जीत जाएंगे और क्या गारंटी है कि जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं, मान लीजिए भोपाल से दिया गया है, भोपाल से पिछली बार दिग्विजय सिंह को टिकट दिया था कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ और वो हार गए थे। इस समय जो कुल मिलाकर माहौल है, ये जो 195 लोगों की जो सूची है, ये अगर कोई इंडिकेशन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है राजीव जी कि इसमें महाराष्ट्र और बिहार के लोग नहीं है। आप सोचिए कि बिहार और महाराष्ट्र के लोग क्यों नहीं है, मतलब 195 लोगों में कौन लोग हैं जहां बीजेपी को लगता है कि ये उनके इलाके हैं, जहां वो मतलब वो अपना अधिकार क्षेत्र मानते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश को मानते हों, दिल्ली को मानते हों, मध्य प्रदेश को मानते हों। पर महाराष्ट्र 48 सीटें हैं और बिहार की 40 सीटें हैं, वहां से उम्मीदवार नहीं है। ये जो पूरा का पूरा जो चल रहा है, ये सीटों को लेकर जो बीजेपी का जो पहला चेहरा सामने आया है वो ये बताता है। मैं ट्वीट्स पर नहीं जा रहा हूं कि ये इन लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, क्योंकि गौतम गंभीर हो सकता है उनको पहले से पता चल गया हो कि उनका नाम कट गया है, तो वो उन्होंने अपने थोड़ा सा वाइट वॉश करने के लिए उन्होंने ये कहा कि वो क्रिकेट में अपना टाइम देना चाहते हैं, जबकि उन्होंने पॉलिटिक्स में रहते हुए क्रिकेट का ही सबसे ज्यादा नुकसान किया, तो इसलिए उनका क्रिकेट में अब पॉलिटिक्स से हटके क्रिकेट में अब वो ज्यादा हो सकता है नुकसान करें क्रिकेट का, इसलिए वो उनका मुद्दा अलग है। या आपने और भी एक दो ट्वीट्स बताए जो इन्होंने बताया, अजय विश्नोई जी का जो बताया, पॉलिटिकली वो कोई हैवी वेट नहीं है अजय विश्नोई जी वहां जबलपुर में, हो सकता है वो खुद उम्मीदवार रहे हो लोकसभा कैंडिडेट के लिए। कुल मिलाकर किस्सा यह है कि ये जो लिस्ट है ये बीजेपी को 370 के आंकड़े पर ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इसका मतलब ये है कि अगर बीजेपी के खुद के जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं,
वहां अगर बीजेपी के पास कैंडिडेट्स नहीं हैं, बेहतर कैंडिडेट्स नहीं हैं, जीता इसमें अधिकतर चेहरे नए हैं, एकदम नए हैं, नए हैं या हारे हुए हैं पहले, या जिनके टिकट कटे हैं वो हैं। हमको ये मानकर चलना चाहिए कि देश की बाकी सीटों के लिए बीजेपी के पास कैंडिडेट्स कहां से लाएंगे। ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, बिहार है, दक्षिण भारत के पूरे पूरे 150 सीटें हैं, ये कहां से लाएंगे। तो ये एक इसमें से जो एक आशा की किरण दिखती है वो ये दिखती है कि इंडिया अलायंस की इसमें से स्थिति मजबूत होकर उभरती है। ये तभी जाहिर होगा जब इंडिया अलायंस की कोई लिस्ट बाहर आए जी, इन लोगों के मुकाबले में, मतलब जो कैंडिडेट्स बीजेपी ने अनाउंस किए हैं यूपी में या दिल्ली में या मध्य प्रदेश में और जगह, वहां इनकी उनके जो अलायंस के लोग निकल कर आए। पहली चीज तो ये जो समझ में आती है वो ये समझ में आती है। दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी का, जैसे आपने राहुल की सुरक्षा का एक मुद्दा उठाया, मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और केंद्र सरकार की ये 100% कोशिश रहेगी, रहना भी चाहिए, कि राहुल गांधी को खरोच भी नहीं आए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी को खरोच भी आने का मतलब है कि ये इस चुनाव का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। इसलिए मैं इस चीज को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट इसलिए हूं, पर मुझे इसमें एक चीज ये नजर आती है कि कहीं इस आड़ में कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, उनकी आसपास सुरक्षा का घेरा इतना और ज्यादा नहीं कड़ा कर दिया जाए कि जनता के साथ उनका इंटरेक्शन कम हो जाए या नगण्य हो जाए। जिस तरह से वो जनता के साथ एकाकार कर रहे हैं अपने आप को, जनता से मिल रहे हैं, सुरक्षा की आड़ में राहुल गांधी को जनता से दूर नहीं कर दिया जाए। मोदी जी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो जनता से इतने दूर हो गए हैं कि अब जनता उनको जानती ही नहीं है, जनता केवल उनको गोदी मीडिया के जरिए जानती है। और आपने तो देखा है उनका रोड शो, बेंगलोर में भी देखा है हम लोगों ने और भी जगह देखा है, कितना सैनिटाइज करते हैं पूरे के पूरे रोड को, और किस तरह से एक एक छत पर, एक एक दुकान में लोगों को, सुरक्षा कर्मियों को लगाया जाता है, गैस के सिलेंडर हटवाए जाते हैं हर घर से। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के लिए सब किया जा सकता है क्या? राहुल गांधी अब देश की संपत्ति हैं राहुल राजीव जी, और राहुल गांधी की के जान की हिफाजत का काम सरकार नहीं कर सकती, देश करेगा। ये देश की जिम्मेदारी है कि वो राहुल गांधी को खरोच में नहीं आने दे। अगर उनको पहली यात्रा में नहीं आई, नॉर्थ ईस्ट में नहीं आई, असम में नहीं आई, बंगाल में नहीं आई, झारखंड बिहार में नहीं आई, तो मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी को वो कोई इस तरह से उनके उनके उनका कद इतना बड़ा हो गया है कि उसमें उनको हाथ भी लगा सकता है कोई। तो मैं थोड़ा सा, जैसे लोग कहते हैं, चर्चा करते हैं कि आरएसएस के प्रमुख के आसपास इतनी जेड प्लस सिक्योरिटी लगा दी गई है कि वो लोगों से मिल ही नहीं सकते। वो पहले आरएसएस के लोग, आरएसएस के जो चीफ थे वो आम जनता से मिल लेते थे। इसका मतलब ये है कि आरएसएस का इंटरेक्शन बंद कर दिया गया है जनता से। तो इसलिए हमको इस चीज को
थोड़ा सा सुरक्षा की चिंता तो होनी चाहिए राहुल गांधी की, पर यह ठीक भी है कि इस तरह के अलर्ट्स होना चाहिए। राहुल गांधी खुद अपनी सुरक्षा को लेकर कभी उन्होंने डिमांड ही नहीं की। उन्होंने, आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर में जब वहां प्रवेश कर रहे थे वो जी। जब उस वो सुरंग से बाहर निकले और आप वो जो सुरक्षा का घेरा उन्होंने देखा, तोड़कर देखा कि जब वो प्रशासन सोच रहा था कि यहाँ कुछ भी लोग नहीं होंगे, वहां हजारों लोग थे और पुलिस का इंतजाम नहीं था, तो सुरक्षा कर्मियों के कहने से फिर से वो पीछे हट गए, बस में चले गए या सुरक्षा में चले गए। राहुल गांधी भी समझते हैं चीजों को, इसलिए मैं थोड़ा सा, अब ये चुनाव जो है राजीव जी डिसाइसिव फेज में पहुंच रहा है, निर्णायक फेज में, और 195 लोगों की जो सूची है ये एक हथियार के रूप में इंडिया अलायंस के पास आ गई है कि अब उनको क्या करना है। तो आप पाएंगे कि आप जो कैंडिडेट्स हैं वो, आपने एक चीज देखी कि प्रज्ञा ठाकुर को टिकट नहीं देने के पीछे जी। एक जो इम्पोर्टेंट रीजन जो मुझे नजर आता है वो ये कि, और अपनी डिबेट में कल परसों शायद प्रशांत जी कह रहे थे कि जो हिंदुत्व का रेटोरिक है वो योगी ने बहुत कम कर दिया है, शायद प्रशांत जी कह रहे थे परसों की डिबेट में, पूरे की पूरे के डिस्कोर्स में। एक जो चीज है जो जिस तरह के लोगों को टिकट दे रहे हैं ये भाजपा ने दिया है, या जिसका इंडिकेटर है भोपाल में जो दिया है, कि ये अब पीछे हट रहे हैं मोदी जी हिंदुत्व के का जो, मतलब उस तरह का एजेंडा है, कट्टर हिंदुत्व का जो एजेंडा है, क्योंकि भोपाल जैसा शहर है जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत है, तो एक कैलकुलेटेड इसमें एंगल भी है कि किन लोगों को टिकट देना काफी सोच समझ के दिया गया है बीजेपी की लिस्ट में। तो इंडिया अलायंस के सामने एक चुनौती भी है कि किस तरह के लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए। राकेश जी ने बात कही कि भाई शेजवारकर जी का परिवार की जिक्र किया इन्होंने या पुराने लोगों को, देखिए बीजेपी के सामने ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। पुराना परिवार, डेडिकेटेड परिवार, समर्पित परिवार, अब कुछ नहीं बचा वहां। जो एक जो वर्ण संकर बीजेपी बनाई जा रही है, जो मैंने यूज किया है कि दूसरे दलों से लाकर जो इंटरेक्ट किया करवाया जा रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग जो करवाई जा रही है, उसमें आरएसएस और बीजेपी के समर्पित वर्कर्स के लिए कोई गुंजाइश तो अब बची नहीं है। वो केवल इंडिया अलायंस में बची है कि एक आदमी जो अध्यक्ष है, आप देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का अध्यक्ष 52 साल से बना हुआ है पार्टी में, या और ज्यादा सालों से बना हुआ, वो छोड़ के नहीं गया, बुरी से बुरी हालत में नहीं गया। देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्षों की स्थिति निकाल के देखना चाहिए कि वो किस म्यूजियम में किस हालत में पड़े हुए हैं। मतलब राकेश पाठक बहुत सारे या जयशंकर जी बहुत सारे नामों को गिना सकते हैं कि वो लोग कहां पड़े हुए हैं। लोगों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना, कांग्रेस में ऐसे कई लोग हैं जिनको, जिनके प्रति नाराजगी रही है राहुल गांधी की, पर उन लोगों के प्रति कोई विंडिक्टिव एटीट्यूड दिखा नहीं है कि गहलोत के प्रति या कमलनाथ के प्रति। मैं और 50 नाम बता सकता हूं आपको, बिल्कुल, कि या चिदंबरम के प्रति एक एकोमोडेशन की जो फीलिंग आपको मिलती है इंडिया अलायंस में, वो शायद भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी चीज है। तो मैं, ये जो इलेक्शन होगा ये कुछ बहुत सारे राजनीति में मूल्यों की स्थापना के लिए भी होगा, और देश की जनता को ये समझना होगा कि वो किन लोगों को चुनना चाहिए। अब मेरे ख्याल से देखिए कैंडिडेट्स का मामला तो रहा नहीं है,
आखिरी बात ये कह रहा हूं जी, केवल दो चीजों पर चुनाव लड़ना है, जो राहुल ने ये जो इन्होंने कहा है, लालू ने कहा है, मोदी जी की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। ये जो चुनाव है बीजेपी के लिए एक व्यक्ति को बनाए रखने का चुनाव है, और इंडिया अलायंस के लिए कलेक्टिव लीडरशिप को सत्ता में लाने का चुनाव है। तो देश को तय ये करना है कि एक व्यक्ति की तानाशाही के बजाय लोकतंत्र की स्थापना के लिए वोट दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। ये चुनाव इसी पे होना है। कैंडिडेट्स मेरे ख्याल से अब बहुत बीजेपी में इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे, इंडिया अलायंस में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन प्रशांत टंडन जी, क्या ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है, अति आत्मविश्वास है? 195 लिस्ट अभी जारी करना, जबकि आप ये देखिए कि इससे पहले दोनों में, बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में ये कंपटीशन कहीं ना कहीं रहता है कि ये पहले करें तो भी तब हम करेंगे, यही चलता आया है। और खासकर बीजेपी बाद में आती रही है, लेकिन इस बार इस कॉन्फिडेंस को दिखाने का कि अब की बार तो हम 400 पार कर ही रहे हैं, वो दिखाने के लिए जनता के बीच जाकर जाने से पहले कि नहीं हमारा फुल कॉन्फिडेंस है, तीसरा टर्म तो हमको मिल ही रहा है, अति आत्मविश्वास? राजीव जी, मुझे इसमें घबराहट दिखाई दे रही है, और वो घबराहट मुझे क्यों दिखाई दे रही, कहां दिखाई दे रही है, उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन एक सवाल पहले तो, राहुल गांधी की जो सुरक्षा को लेकर एक चिंता है, वो एक गंभीर और बहुत ही संवेदनशील मामला है, और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर राजीव जी हम लोग यहाँ पे आपके मंच पे कई बार बात कर चुके हैं। वास्तविक तौर पे जो सुरक्षा विजिबल दिखाई दिया था, राहुल गांधी की सुरक्षा में खतरा, वो असम में दिखाई दिया था, जब वो बसों को घेर, बस उनकी बस को घेर लिया था लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो कि राहुल गांधी को नहीं चाहते थे कि वो यात्रा को कंटिन्यू करें। तो राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा है, और ये गंभीर मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है, और इस पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन एक और बात है, बात यह है राजीव जी कि ये खतरे की बात नासिक से आई है, और नासिक महाराष्ट्र में है, और इसी महाराष्ट्र और मुंबई में राहुल गांधी को अपनी यात्रा का समापन करना है जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। तो क्या ये सुरक्षा का मामला उठाकर वो यात्रा को रोकना है, या राहुल गांधी की यात्रा का रूट चेंज करना है, या उनको मुंबई नहीं जाने देना है, क्या ये, अगर इसका कोई राजनीतिक मंशा है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई राजनीतिक मंशा होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक सवाल जरूर पैदा होता है कि अचानक नासिक से क्यों आया ये मामला, असम से क्यों नहीं आया, या और जगह से क्यों नहीं आया? तो क्योंकि राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलते हैं, लगातार और कहीं दिक्कत नहीं हुई, केवल जो दिक्कत पूरे यात्रा के दौरान दिखाई दी राहुल गांधी की यात्रा में सुरक्षा को लेकर, वो असम में दिखाई दी, जहां उनके ऊपर FIR भी कर दी गई। खैर, अब मैं जब बीजेपी की लिस्ट में आता हूं, राजीव जी आपने सवाल पूछा कि क्या ये अति उत्साह है या ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे इसमें लग रहा है कि बहुत केयरफुल है मोदी साहब, और वो केयरफुल क्यों मुझे दिख रहे हैं कि किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते वो, तो सारे विवादित लोगों को टिकट नहीं दिया गया है, जिसमें कि साध्वी प्रज्ञा है, जिसमें खबर आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं कुश्ती महासंघ वाले, जिसमें खबर आ रही है कि परवेश वर्मा भी नहीं है, जिनका एक विवादित बयान दिल्ली के दंगों के दौरान या उसके बाद आया था, और
इस तरीके के आप देखिए रमेश भिदुड़ी का जिन्होंने पार्लियामेंट में बहुत ही विवादित बयान दिया था मुसलमानों को लेकर जी, तो इस तरीके के लोगों को का टिकट कटा है। जो हार्ड कोर हिंदुत्व वाले हैं जिसकी चर्चा कर रहे थे श्रवण गर्ग जी, उसके दो मायने हैं। एक तो ये कि विवाद में पड़ना नहीं चाहते और खासकर किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद में नहीं पड़ना चाहते। ये सारे वो लोग हैं जिनके नाम मैंने लिए, प्रज्ञा ठाकुर हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, प्रवेश वर्मा हो, इन सब के नाम विदेशों के अखबारों में छप चुके हैं काफी। ऐसे तो अजय मिश्रा टेनी को मिल गया है, अजय मिश्रा टेनी को दे दिया जी। हाँ, वो किसानों के प्रति मोदी साहब का जो तपस्या है उसका एक संकेत है कि वो किसानों को लेकर अब क्या करेंगे, तो ये एक संकेत जा रहा है। दूसरी बात की देखिए, लिस्ट जब आई है ये, तो आप देखिए कि एक भी चौंकाने वाली बात नहीं है। एक सरकार जो 10 साल से है, जो तीसरे बार जाने का दावा पेश कर रही है और बड़ी भारी मेजॉरिटी से दावा पेश कर रही है, वो लोगों को राजनीति के इस पड़ाव में आने के बाद समाज के तमाम लोगों को वो प्रेरित नहीं कर पा रही कि वो राजनीति में आए। आप देखिए, जब पहली बार बीजेपी की लिस्ट आई थी तो उसमें सेना के अधिकारी थे, उसमें पुलिस के अधिकारी थे, उसमें तमाम शिक्षा के क्षेत्र से आए हुए लोग थे, खेलों से आए हुए लोग थे, फिल्मी सितारे थे, एक बड़ा जिसको कहें कि इंद्रधनुष दिखाई दिया था लोगों को कि एक उम्मीद दिख रही है। यानी 10 साल बीजेपी की सरकार और पिछले 10 साल की राजनीति ने देश को वहां खड़ा कर दिया है, कम से कम बीजेपी की राजनीति में, कि देश का बहुत बड़ा जो वर्ग है वो कहता है कि राजनीति हमारा एरिया ही नहीं है। आप उन लोगों को भी देखिए जो लोग पेशेवर राजनीतिक या परंपरागत राजनीतिक राजनीति से नहीं आए थे, जिनके ट्वीट अभी आप लोगों को दिखाए जी, हालांकि वो तब आए कि वहां भी पर्चा लीक हो गया है, तभी वो ट्वीट आए एक जैसे। तो जी, वो मसला ये है कि आप 10 साल के बाद भी आप प्रेरित नहीं कर पा रहे। तमाम तरीके के आंदोलन समय हैं, तमाम तरीके के कैंपेन चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं अलग अलग विधाओं में, एनवायरनमेंट में काम करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, वो क्यों नहीं मोदी साहब से प्रेरित हो पा रहे हैं कि वो टिकट चुनाव में आए। तो घिसे पिटे नाम, परंपरागत राजनीतिक जिनका धंधा राजनीति करना है, वो लोग आए। तो ये लिस्ट मुझे बहुत चौंकाने वाली लिस्ट नहीं लग रही है। इस लिस्ट में खबर नहीं, इस लिस्ट में खबर केवल वो है जिनके नाम कट गए जी, अदरवाइज इस खबर में, इस लिस्ट में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि हम आप ये चर्चा करें, अरे बीजेपी ने ये क्या कर दिया, जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। प्रशांत जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जिस पर फोकस बीजेपी कर रहा, वो बात थी कि ये जातिगत जो आधार है उसको यहाँ मेंशन करने की कोशिश, पिछड़े वर्ग से इतने, जरा उस लिस्ट को ले आइए जैसे वो बताया गया था, स्क्रीन पे ले आइए, जाति आधारित। यहाँ देखिए 34 मंत्रियों के टिकट, उसके अलावा 50 वर्ष से कम 47 उम्मीदवार, महिला 28, अनुसूचित जाति 27, अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग OBC 57। ये जो है ये अलग से मेंशन स्पेशली, ये केवल आप नहीं, ये तो अब ये इनको मेंशन करवाया गया है उस सारे मीडिया को जो पिछले 2 दिन से हाथियों के रखरखाव पे बहुत समय बिता रहा है जामनगर में जी। तो वहां भी ये मैं देख चुका हूं ये पूरा आंकड़ा कि किस तरीके से सामाजिक न्याय के प्रति जो है बड़ा जो रुझान दिखाई दे रहा है और इसकी बहुत चर्चा वहां हो रही है। वही लोग कर रहे हैं जो कल तक हाथियों के रखरखाव पे बहुत लंबा
थोड़ा विश्लेषण कर रहे थे, तो मुझे ये लिस्ट चौंकाने वाली नहीं लग रही। मुझे ये लिस्ट 370 या तीसरी बार की हैट्रिक या 400 वाली लिस्ट नहीं लग रही है। ये लिस्ट केवल ये है कि हाँ, ये परंपरागत जो राजनीतिज्ञ हैं उन्हीं लोगों का काम है चुनाव लड़ना। यानी 10 साल में मोदी साहब समाज के तमाम सारे लोगों को नहीं हिला पाए। किरण बेदी जैसे लोग नहीं है यहाँ पे। हमारा उनसे हम पसंद करें ना करें अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि लोग नहीं है। और आप देखिएगा इंडिया गठबंधन की जब लिस्ट आएगी उसमें कुछ बहुत चौंकाने वाले नाम आएंगे। एक पर्चा मैं भी लीक कर दूं कि हो सकता है कि मथुरा का चुनाव बहुत रोचक हो जाए। अभी तो हेमा मालिनी उतर चुकी हैं। हेमा मालिनी उतर चुकी हैं, लगातार उतर रही हैं। जी जी, कोई और भी उतर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन से वहाँ, और आगरा भी चौंकाने वाला होगा। आगरा में दोनों यूपी के लड़के एक साथ दिखाई दिए थे, तो आगरा भी चौंकाने वाला होगा। और वहाँ पर नीले झंडे भी दिखाई दे रहे थे, याद कीजिए, वहाँ नीले झंडे भी थे। डॉक्टर राकेश पाठक कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? किसी ओलंपियन को टिकट दिया? जी 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 प्लीज। प्रशांत जी, चूरू राजस्थान से किसी ओलंपिक पदक विजेता को टिकट दिया है बीजेपी ने? मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, अभी जस्ट लिस्ट में देख रहा था। एक चीज बस उल्लेखनीय जरूर याद दिलाना चाहता हूं, फिर मैं अनुमति लूंगा। नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं राजनीति में, तो आज परिवारवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने तीन अहम कदम उठाए हैं। एक बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है, सुषमा स्वराज की सुपुत्री को। एक ज्योति मिर्धा को दिया राजस्थान में, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया। इन तीनों लोगों को टिकट देकर परिवारवाद को राजनीति से खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है मोदी जी ने। बाकी 195 में और कितने पुत्र सुपुत्रियां हैं हम लोग और आज रात को देख लेंगे, लेकिन ये बड़ा प्रशंसनीय कदम है। जी राजीव जी, मैं अनुमति लूंगा। राजस्थान से देवेंद्र झाझरिया हैं जी, ये ओलंपिक पदक विजेता है, ओलंपिक विजेता है। जी जी, जिनका नाम आप बता रहे थे। जी, आना चाहता हूं जल्दी से, अब कार्यक्रम को जल्दी जल्दी समेटते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, ये एक लिस्ट, इस लिस्ट से अब आगे, और जैसे अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि इससे ये 370 या 400 वाला जो नारा है वो बुलंद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 195 कब नहीं होता, क्या कुछ आप देख रहे हैं? नॉर्थ इंडिया खासकर, साउथ में तो देख लीजिए, साउथ के भी हैं, तेलंगाना है उधर, और भी हैं, कई सारे नाम हैं इसमें, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यूटी है, लेकिन खासकर जो नॉर्थ इंडिया उसमें भी 51 सीटें उत्तर प्रदेश में, 24 सीटें मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें, ये सब जो हैं, आपको भी लगता है कि नारा बुलंद होता हुआ यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा? नहीं राजू जी, यहाँ तो लगता है कि शायद पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने वो जारी की है जिसपे उसको आशा है कि सीटें में जीतनी ही नहीं, मतलब यहाँ लड़ाई पर जाना ही नहीं है। तो 195 तो उन्होंने पहले घोषित कर दी 543 में से, कि यहाँ तो वही कुछ है ही नहीं हमारे पास। वरना पहले आदमी घोषित करता है तो कोई भी हो राजू जी, वो उन्हें घोषित करता है जहाँ दम ठोक के कहता है कि ये तो हम जीत रहे हैं, पहली दफा में हमने कर दिया घोषित। तो जो घोषित किए गए हैं वो तो ये बता रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं लड़ाई में। अब है उनकी रणनीति है राजीव जी, आधी रात में बैठ करके जब रणनीति तैयार की जाती है तो ऐसी रणनीतियाँ तैयार हुआ करती हैं। आधी रात का समय जो होता है, जब सुबह 4 बजे होते हैं और रात भर आप जगे हो, तो सबसे ज्यादा झपकी उसी समय आती है। तो लगता है ये नींद भी उसी झपकी में, लिस्ट जो है उसी झपकी में तैयार हो गई है और उसी झपकी में इसको जारी भी कर दिया गया है। अब सुना जाता है 6 मार्च को फिर शायद कोई बैठक है, उसमें फिर कुछ तय होगा, तो उसमें देखा जाएगा राजीव जी अब हाँ क्या क्या चीजें तैयार होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं। लेकिन जिस तरीके से राजीव जी, इस समय थैंक यू मोदी जी की बाढ़ आई हुई है ट्विटर पे, कि थैंक यू मोदी जी, और तमाम जो है सांसद गण जो है वो थैंक यू मोदी जी कहते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कहते आ रहे हैं थैंक यू मोदी जी, बस हमने तो थैंक यू बोल दिया, अब आपके भी थैंक यू बोलने की बारी आ गई है। ऐसा लगता है कि ये आभास देने की, जो ये सांसद जो है वो सब जो है वो बता रहे हैं, आभास दे रहे हैं कि मोदी जी अब आप कहें कि थैंक यू, उससे पहले हम बोल देते हैं थैंक यू, ताकि इस थैंक यू की दौड़ में जो है कौन आगे रहे तो उसमें हम जो है पिछड़ ना जाए। तो ये इस समय दौड़ भाग जो चल रही है, तो कुल मिला के राजीव जी जो संकट है भारतीय जनता पार्टी का, मतलब भारतीय जनता पार्टी का संकट क्या है, मोदी जी का संकट है, जो मोदी जी ही भारतीय जनता पार्टी है, तो इस संकट उन्हीं का जो राजीव जी है वो इस समय सब सामने आ रहा है।
और बड़ा संकट राजीव जी यही है कि कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पास ना चेहरे हैं और ना मुद्दे हैं, दोनों में से कुछ नहीं बचा है। तो जाएंगे आखिर चुनाव में किस बात पे? सवाल ये है, प्रधानमंत्री जिन बातों को लेकर के, अब हालांकि प्रधानमंत्री ने दिल से माफ नहीं किया था उनको, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, तो अब पता नहीं कि वो दिल से माफ करने वाली बात थी तो अब उन्हें माफ कर दिया, ये दिल से क्या कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह के बहुत से लोग होंगे जिनको अभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे मोदी जी, और तमाम लोग राजीव जी ऐसे होंगे जो मोदी जी को दिल से माफ नहीं कर पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी में। तो जो मोदी जी को दिल से माफ नहीं कर पा रहे हैं, देखना ये राजीव जी कि वो लोग जाकर के आगे क्या करते हैं जो मोदी जी को दिल से माफ नहीं कर पा रहे हैं, जो थैंक यू बोल के चले जा रहे हैं। तो ये थैंक यू बोलने वालों की लिस्ट जो है वो मुझे लगता है काफी ज्यादा लंबी होने जा रही है। और आप देखिए, जैसा आपने उनका एक का सुनाया कि वो तो कह रहे भाई हमने सांसद रहते हुए कुछ काम नहीं किया तो इसलिए आप हमको मुक्ति दे दी कि हम और भी कुछ काम ना करें। तो ये तो राजीव जी, आपको याद होगा 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, वो कांग्रेस के एक सांसद थे जालंधर के, डॉक्टर संतोख सिंह, उनका एक जो था वो स्टिंग ऑपरेशन था वो बड़ा वायरल हुआ था। उसमें वो कह रहे थे संतोख सिंह कि भाई हम तो अपने काम करा लेते हैं सरकार में विपक्ष के लोग, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद है ये तो कुछ नहीं करा पाते हैं, तो इनके सामने संकट है। तो मुझे लगता है ये जो थैंक यू बोलने वाले लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि मोदी जी आप ही नहीं बटिए, हमने तो कुछ काम किया नहीं, जो सबका आपने किया है। अब यहाँ तक की जो रेलवे की झंडी दिखाई जानी हरी वो भी आप दिखाएंगे, स्कूल का फीता काटना है वो भी आप काटेंगे, गड्ढा खोदना है उसका भी फीता आप ही काटेंगे। तो जब सब कुछ आप ही को करना है तो भाई हमारा काम क्या है? बस ये कि लोकसभा में आकर के वोट दे दें, यही काम है। तो ये राजीव जी जिस तरीके से हुआ है तो सांसदों को भी लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीतना आसान नहीं है, तो वो सब थैंक यू बोलना है। मोदी जी बाहर से लोगों को लेकर क्या नहीं, चूंकि मोदी जी को भी लग रहा है कि हमने जिन लोगों को काम नहीं करने दिया उनको अब जनता के वोट देगी, जब जनता के बीच जाएंगे कहेंगे भाई मोदी जी के नाम पर वोट दिया था चलो ठीक है, आपने तो काम नहीं किया, वो बेचारे अब जनता के बीच जाए क्या बताइए, मोदी जी ने काम ही नहीं करने दिया। तो ये संकट भारतीय जनता पार्टी का जो है बढ़ता जा रहा है, आगे जाके और बढ़ेगा राजीव। बिल्कुल, आगे जाके बढ़ेगा। और ये संकट जो है हम जरा इसकी समीक्षा कर रहे हैं, संकट बढ़े घटे मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि 195 जो प्रत्याशी उतारे गए हैं भाजपा की तरफ से चुनाव की घोषणा से पहले, और अक्सर हम देखते नहीं हैं ऐसा भाजपा करती नहीं है लेकिन कर रही है, पहले से प्रत्याशी उतारना, एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास कह सकते हैं शायद वो भी हो, या कुछ अंदर खाने अच्छी तैयारी हो गई हो तीसरे टर्म की, ये भी हो सकता है, ये सब कुछ है। लेकिन एक और भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से जीते हुए हैं आप जानते हैं, और उनके सामने पवन सिंह भोजपुरी स्टार हैं, पवन सिंह उनको दिया गया है, तो वहां भोजपुरी बनाम भोजपुरी भी करने की कोशिश। तो आप लोग ही बता रहे थे हमारे आप तमाम साथी कि कहीं ना कहीं ये भी है कि एक रणनीति के तहत कुछ जगहों पर अच्छे कैंडिडेट भी उतारे गए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 195 जो हैं वो बिल्कुल वैसे दिखाई दे रहे हैं कि हाँ पहले ही भाजपा ने हार मान ली। लेकिन इससे अब इनके सामने जब इंडिया गठबंधन अपने कैंडिडेट को उतारेगा तो वो देखना दिलचस्प होगा। एक बार फिर से आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, उत्तर प्रदेश का जरा जिक्र करना चाहता हूँ, पहलवानों वाले जो वो थे, क्या नाम उनका, सिंह साहब जो पहलवान, ब्रिजभूषण शरण सिंह का शायद अभी तक नाम नहीं है उसमें, वो भी देखना होगा। टेनी साहब का नाम तो आ गया है लेकिन वो पहलवान साहब का नाम नहीं आया है, पहलवान बेटियों के साथ जो कुछ भी हुआ था, तो कई सारे नाम आएंगे। लेकिन ज़रा आपकी समीक्षा इस पे ज़रूर समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि यहाँ से अब इंडिया गठबंधन, क्योंकि एज है, यहाँ सामने वाले ने पहले बैटिंग कर ली है, एक टारगेट सेट है, 195 सीटें ऑलरेडी प्रत्याशी हैं सामने, इंडिया गठबंधन की मजबूती है, और उसमें भी उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो, वहां कैसे आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसे लगता है कि मोदी जी यहाँ पे बॉलीवुड और टॉलीवुड के भरोसे बैठे हुए हैं। हेमा मालिनी को उन्होंने फिर से उतार दिया है, जबकि लोग कह रहे थे कि वो नाराज है हेमा मालिनी से, तो सोच रहे हैं कि बॉलीवुड के सहारे ही जीत लिया जाए। इसके अलावा दो और भोजपुरी के एक्टर उन्होंने उतारे हुए, निरहुआ और एक और, तो ऐसे लगता है कि जैसे मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है यूपी में। इसके अलावा टेनी का एक चेहरा है, राजनाथ सिंह लखनऊ से हैं, बाकी कुछ वही है, रिपीट किए हैं यहां पर, दूसरी जगहों पर वो टिकट काट रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश जहां पे बीजेपी ये दावा करती है कि साहब हम 100 से शुरू करते हैं, 80 उत्तर प्रदेश की सीटें और 26 गुजरात की, तो हम 100 सीटें पहले से लेकर के चलते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि उस गुजरात से भी वो 100%
सीटों का भी ऐलान नहीं कर पाए, जहां 26 में से 26 सीटें जीती थी, जहां राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जीती थी वहां भी शायद 15 ही सीटों का ऐलान किया हुआ है। इसका मतलब अभी बहुत सारी सीटों पर पेच फंसा हुआ है जहां आप कैंडिडेट दे नहीं पा रहे हैं। तो जो 370 पार, 400 पार, हो सकता है 500 पार का भी नारा लगा दें मोदी जी, लेकिन असली बात यह है कि आपको ये रणनीति बनाने में अभी पसीने छूट रहे हैं कि साहब हम टिकट किसको दें। और फिर जो आपने कहा ना कि अभी एक पारी तो हो गई है, अगर दूसरी पार्टी आएगी बैटिंग करने के लिए तो वो क्या करेगी? जाहिर तौर पर सामने वाले को भी देखेगी कि खिलाड़ी कैसा है, वो टेस्ट का है कि वनडे वाला है या 2020 वाला है जी। तो यहां अगर इंडिया एयरलाइंस ने कहीं 2020 वाला उतार दिया तो इस बॉलीवुड और टॉलीवुड का क्या होगा? ये जो पहले से जांचे परखे लोग हैं कि 5 साल 10 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, ये लोग जानते हैं, तो इनका क्या होगा? ये तो सब हेड विकेट होने वाले हैं यहीं पे। तो उत्तर प्रदेश से ही आपकी जब सीटें घट रही हैं 62 से, अगर और मैं 9 तारीख भी आपको बता रहा हूं, 9 तारीख तक उत्तर प्रदेश में कोई और डेवलपमेंट हो सकता है, और मेरा जहां इशारा है वो आप समझ रहे हैं। लखनऊ में कोई आज दिल्ली से आया है और बैठक चल रही है, कोई और कुछ और भी डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद मोदी जी क्या करेंगे? क्या कहीं हाथी भी आ गया तो कमल का क्या होगा? राजीव जी आप समझ सकते हैं। तो जहां आप गुजरात और राजस्थान में कैंडिडेट नहीं उतार पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप रिपीट कर रहे हैं, तो मोदी जी चल कहां रहा है वो 370 वाला मामला? और अभी तो खड़गे जी को आने दीजिए ना उत्तर प्रदेश में, राहुल जी तो गए हैं अपनी पारी खेल करके, और अभी वो आने दीजिए ना राहुल द्रविड़ को, तब मजा आएगा ना यहां खेलने में। तो मोदी जी को तो मैंने कहा ना कि यहां हिट विकेट होना है, और जो परिस्थितियां हैं, और ये जनता ही करने वाली, आप विपक्ष की मजबूती इस मामले में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग साथ खड़े हैं मोदी जी को प्रणाम करके, वो चाहते हैं कि आप सुधारिए प्रभु, बहुत हो गया, आप चाहे गंगा जी में चले जाइए, चाहे समुद्र में आप बढ़िया से डुबकी लीजिए, प्राणायाम करिए, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है, बुजुर्ग हो चुके हैं। और एक यहां नौजवान जो है जो चल रहा है, तो उसके हाथों में उसके विजन को लोग पसंद कर रहे हैं। बेरोजगारी कैसे दूर होगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, कैसे फिर से रोजगार सृजित होगा, महंगाई कम कैसे होगी, ये जो विजन जिसके पास है, सामाजिक न्याय, अभी समझिए कि जो लिस्ट आ रही है आप दे रहे हैं कि 50 साल के नीचे कितना, महिलाएं कितनी, ओबीसी कितना, राहुल गांधी का दबाव है, झेल नहीं पा रहे बेचारे मोदी जी, लिखना पड़ रहा है, काम देना पड़ रहा है मीडिया को, नहीं नहीं आप ये चलाइए, ताकि राहुल गांधी जो कास्ट सेंसस का इश्यू है, दलित पिछड़ा हुआ आदिवासी की जो बात कर रहे हैं, उसको किसी तरीके से आप डाइल्यूट करिए। तो राहुल गांधी ने तो हवा खराब कर रखी है, अब कैसे वो चुनाव लड़ेंगे अब ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश और उधर गुजरात, ये मिलकर दोनों मिला के 106 सीटें, 26 सीट गुजरात और 80 सीटें ये, 106 सीट, और यहीं से शुरुआत गिनती की, जैसे आप कह रहे थे गिनती की शुरुआत होती है। प्रशांत जी जल्दी जल्दी आपके पास भी आना चाहता हूं, क्या यहां फंसा हुआ मामला दिखाई देता है अगर दोनों राज्यों को देखा जाए तो? देखिए उत्तर प्रदेश में जो इतनी सारे और भी स्थिति उत्तर प्रदेश में खराब हो जाएगी बीजेपी की। हाँ बिल्कुल, लेकिन राजीव जी जो उत्तर प्रदेश में कम लोगों के टिकट कटे हैं और 51 में से 47 लोगों को रिपीट किया गया है जो अभी तक लिस्ट आई है, उससे लग रहा है कि बागी उम्मीदवार नहीं चाहिए इनको। तो बागियों के बागी उम्मीदवार का भी डर है, इसी डर ने शिवराज सिंह चौहान को भी टिकट दिलवा दिया, क्योंकि अगर वो टिकट नहीं उनको दिया जाता और उनको बिल्कुल किनारे कर दिया जाता हाशिए पे, तो बीजेपी के अंदर हलचल बहुत मचती। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान व्यवहार किया गया, तो ये बड़ा मतलब संभल के एक बड़ा सा बांस लेकर तार पे रस्सी पे चलने की पूरी जो है बैलेंस बनाने का एक कर्तव्य है ये जो लिस्ट आई है। तो ये लिस्ट से मतलब मुझे
निराशा ये हुई कि इसमें कोई ऐसा नाम नहीं आया कि 10 साल बाद आप कहें कि चौंक जाए कि अरे ये क्या कर दिया बीजेपी ने, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। ये चौंकाने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे कोई नाम नहीं उसमें आए हैं। ऐसे नाम उत्तर प्रदेश में है, ऐसे नाम तमाम जगह पे हैं जिनके नाम आ सकते थे, जो कि बिल्कुल पार्टी राजनीतिक नहीं होते, लेकिन एक बड़ा नाम होता तो वो बड़ा नाम इस लिस्ट में आया नहीं है। और बहुत मतलब रस्सी पे चलने की कवायद मुझे दिख रही है राजीव जी। जी जी गर्व साहब, आपके पास आना चाहता हूं, क्या इसमें एक डर भी दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस लिस्ट की समीक्षा अगर हम कर रहे हैं, पहले भी किए, उत्तर प्रदेश का हाल अगर देखें, काटे नहीं गए, मात्र 4 सीटें काटी गई हैं। भाजपा उनमें से है जो पिछले लगातार चुनाव में, चाहे 2019 का चुनाव देखिए, उस समय भी कुतर दिए गए थे, बहुत सारे नाम काट दिए गए थे। उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव, उसमें भी बदल दिए गए, मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, आप केंद्र के केंद्रीय मंत्रियों को आप ले जाकर के चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन ये 2024 का चुनाव, यहां पे 51 में से मात्र 4 सीटें, 4 लोगों के नाम आप हटा रहे हैं, बाकी सबके नाम रख रहे हैं, 47 लोगों को आप रिपीट कर रहे हैं, 34 मंत्री टोटल रिपीट हो रहे हैं इस चुनाव में, तो क्या एक डर भी है यहां पे, एक प्रेशर भी है आपके ऊपर थर्ड टर्म का? मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई लोग जो मंत्री थे केंद्र में, जिनको असेंबली लड़ाया गया, उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया है, जबकि उम्मीद थी कि उनको लड़वाया जाएगा। बहुत सारे नाम है, राजस्थान के भी बहुत सारे नाम है अगर आप देखेंगे तो देखिए, आपने ठीक कहा, मैं जो इन्होंने रवि कांत जी ने जो कहा था उससे मैं भी एग्री नहीं करता हूँ, और इन्होंने अमलेंदु ने जो कहा वो भी थोड़ा सा एग्जेगरेटेड है। काफी सावधानी से इन लोगों ने लिस्ट बनाई है, और जो अवेलेबल लोग हैं 16 राज्यों के घोषित किए हैं इन्होंने जी, और काफी इंपॉर्टेंट राज्य भी हैं, बंगाल भी है जैसे, मान लीजिए इसमें उत्तर बंगाल की कई सीटें इंपॉर्टेंट सीटें हैं जो इन्होंने घोषित कर दी, झारखंड है, तेलंगाना है, असम है, अपने खुद के राज्य तो हैं जो जिसमें इन्होंने किया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसे मानेंगे कि अंडर एस्टिमेट करेंगे कि ये 195 बेकार हैं या कमज़ोर हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब 150 सीटें दक्षिण की और 195 ये भी अगर कमज़ोर हैं, क्योंकि इसमें केरल के ही हैं, मतलब मोटे तौर पर जो दक्षिण भारत के, तेलंगाना और केरल के, दक्षिण भारत, ये काफी सोच समझ के जैसा कहा गया है कि इसमें उम्र का भी ध्यान है और पिछड़े वर्ग का, जैसा इन्होंने प्रशांत जी ने भी कहा या किसी ने कहा कि राहुल गांधी का जो प्रेशर है, ये रविकांत जी ने जो कहा पिछड़े वर्ग का, पर अगर आप महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, महिला बिल लेके आते हैं, तो आपने कुल कितनी महिलाओं को दिया है? 195 28 को दिया, 28। हाँ, तो ये आपके पाखंड को एक्सपोज करता है कि आपने महिला बिल लाए, इतना आपने ढिंडोरा पीटा, प्रचार किया, और फिर आपने खुद की जो लिस्ट बनाई उसमें आपके पास महिलाएं नहीं है चुनाव लड़वाने के लिए। तो इस लिस्ट का जब पोस्टमार्टम होगा, एक केयरफुली होगा कि किन लोगों को दिया गया, क्यों दिया गया, तो इसमें से बहुत सारी चीजें निकल कर आई। एक इन्होंने शिवराज सिंह की बात कही, प्रशांत जी ने, शिवराज सिंह को टिकट देना बहुत जरूरी था, राजीव जी, शिवराज सिंह, देखिए शिवराज मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद, विधानसभा का सबसे पहला काम शिवराज सिंह ने यह किया था कि वो छिंदवाड़ा पहुंच गए थे, सबसे पहला काम, उनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री वही बनने वाले हैं, और छिंदवाड़ा जाके उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ की सभी विधानसभा सीटें हार गए हैं, और पिछले लोकसभा चुनाव में केवल छिंदवाड़ा रह गया था, अब हमको छिंदवाड़ा भी जीतना है, और मैं यहां से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं
कि मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें इस बार जीतकर दिखाना है। मुझे शिवराज सिंह को लेकर एक ही शंका है कि वो अपनी खुद की सीहोर की सीट को लड़ेंगे कि वो मध्य प्रदेश के लिए मोहन यादव के लिए काम करेंगे या वीडी शर्मा के लिए काम करेंगे। जिस आदमी को इतना ह्यूमिलिएट किया गया हो, क्या वो जो छिंदवाड़ा में संकल्प था 29 की 29 सीटों का वो करेगा क्या? पिछले तमाम चुनावों में राजीव जी, 2014 का भी और 2019 का भी, पूरा का पूरा श्रेय लोकसभा में सीटों को जीतने का वो शिवराज सिंह को जाता है। आप देखिए कि 2018 में विधानसभा हार गए थे शिवराज सिंह जी, पर 2019 की सारी सीटें केवल एक को छोड़कर लोकसभा की जीत गए थे। तो शिवराज सिंह अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं या चुपचाप बैठ जाते हैं और सीहोर पर ही केंद्रित हो जाते हैं, विधानसभा चुनाव में तो वो अपने इलाके में गए ही नहीं, बुधनी में एक बार भी नहीं गए, नामांकन के बाद गए ही नहीं जी। पर अगर वो कहें कि नहीं मैं तो सीहोर में ही बैठा हूं और कहीं नहीं जा रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में मुश्किल काम होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जबरदस्ती शिवराज सिंह को प्रचार में लगाएंगे या उनसे कहेंगे कि आप मेरे साथ चुनाव प्रचार करिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह की मंच पर जो उपेक्षा की गई वो बहुत ही अपमानजनक थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ब्रजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनको रायपुर से टिकट दिलवाया गया, रायपुर से टिकट दिया, वो जीत पाएंगे क्या ये देखने की बात। ये चुनाव कई लिहाज से जो इनकी बैकबोन है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान, उसमें बहुत बड़ा डेंट कर सकता है। मेरा ऐसा एक अनुमान है कि ये जो 91 सीटें हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान की गुजरात की, ये इजी नहीं होंगी। गुजरात के भी मैं कैंडिडेट्स देख रहा था जी। तो थोड़ा सा मुझे शक नजर आता है कि जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं वो, जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं, मतलब वो तो ठीक है अमित शाह जी को दिया गया टिकट, लड़ना ही था उनको गांधीनगर से, और इनको मोदी जी बनारस से लड़ ही रहे हैं। बहुत सारे स्टालवर्ट्स नहीं है उसमें, स्टालवर्ट जो पुराने स्टालवर्ट्स हैं उनके नाम नहीं है इस लिस्ट में। तो वो तो ठीक है, मंडाविया हैं और तमाम लोग हैं जो मंत्री हैं, पर बाकी थोड़ा सा दिक्कत का काम है। कुल मिलाकर ये जो लिस्ट है इसके दो मैसेजेस हैं। बीजेपी इससे बेटर लिस्ट नहीं दे सकती थी वर्तमान परिस्थितियों में, जो चैलेंज है जी। है ही नहीं। इससे ये एक्सपोज हुआ कि बीजेपी के पास कैंडिडेट्स के लिए स्ट्रगल का टाइम है, और उत्तर प्रदेश की जो बाकी सीट्स हैं जिन पर उनको कैंडिडेट्स घोषित करना है, 47 के किए हैं, मतलब 47 को रिपीट किया है उन्होंने, हाँ नहीं 47 को रिपीट किया, 51 कैंडिडेट्स हैं जी। तो जो बाकी बचते हैं 29 कैंडिडेट्स वो क्यों होल्ड किए गए हैं और वो कौन हैं, किन इलाकों के, उसका अगर विश्लेषण करेंगे कि वो 29 सीटें कौन सी हैं, अमेठी से कर दिया है तो रायबरेली से क्यों नहीं किया है, सुल्तानपुर से क्यों नहीं किया है, क्या अमरोहा से कर दिया है, मेनका गांधी की सीट से कर दिया है, वरुण गांधी की सीट से कर दिया है, और अगर नहीं किया है और वहां करते हैं और ये दोनों वहीं से खड़े होते हैं तो परिणाम क्या होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो पेच है वो ये जो बाकी सीटें बची है राजीव जी उसमें फंसा हुआ है, जो सीटें घोषित हो गई उसमें नहीं है। घोषित हो गई वो मान के चल रहे हैं कि हाँ ये तो, जैसे मान लीजिए कि फतेहपुर से साध्वी निरंजन को दे दिया गया, निर्जना को दे दिया गया, या केराना से भी दे दिया है इन्होंने किसी को जी, पर जो आरएलडी की सीट्स हैं, आरएलडी मथुरा मांग रही थी तो इन्होंने इनको दे दिया, हेमा मालिनी को दे दिया,
अभी बागपत की घोषित नहीं, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो ये तय करेंगी कि इनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ इनकी क्या स्थिति है और वो बाकी सीटों पर क्या पेच है। जो ये जिस मीटिंग का बता रहे हैं प्रशांत जी, हो सकता है यूपी में 29 सीटों को लेकर मीटिंग हो रही हो कि उसको लेकर पेच हो, क्योंकि वो उन सीटों पर योगी जी का से अगर नहीं होगा, ये सीट दिल्ली से तय हुई है, मेरा ऐसा मानना है कि 29 सीटें लखनऊ से तय होंगी, ये काफी तय होने वाली बात है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ा प्रभावित करने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सूत्र सारे योगी जी अपने हाथ में रखना चाहते हैं और वो तय उत्तर प्रदेश की सीटों से होगा कि 80 सीटों पर उनका वर्चस्व कितना कायम रहता है। तो ये, और दूसरी आखिरी चीज ये मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार का एक बड़ा कारण ये था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, कि उन्होंने उम्मीदवार बहुत देर से घोषित किए थे और बीजेपी ने सबसे पहले घोषित किए थे। ये चैलेंज है कांग्रेस के सामने कि अगर वो घोषित करने में देरी करते हैं जी। कम से कम उन सीटों पर जिन पर बीजेपी ने घोषित कर दिया है, एनडीए ने कर दिया है, तो वो इंडिया अलायंस के लिए थोड़ी डिसएडवांटेज की पोजीशन हो सकती है और ये कांग्रेस इस मामले में थोड़ी ढीली पड़ सकती है, मुझे कोई बहुत इस पर आश्चर्य नहीं होगा। जी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, 91 सीटें और यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कैंडिडेट्स आए हैं और उसमें बीजेपी पिछड़ सकती है जैसे कैंडिडेट्स दिए गए हैं और इंडिया अलायंस, और इन चारों राज्यों में इंडिया अलायंस नहीं बल्कि कांग्रेस सामने है और कांग्रेस जितनी जल्दी अपने कैंडिडेट्स को, जो आखिरी सेंटेंस आपका है, कांग्रेस जितनी जल्दी अपने कैंडिडेट को यहाँ उतार दे उतना बेहतर होगा। अब ये देखना है कि आगे कितनी जल्दी हो। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा जयशंकर जी आपसे कि यहाँ उत्तर प्रदेश, थोड़ा आपसे भी समझना चाहूँगा, बहुत नज़दीक से आप देखते हैं पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरे उत्तर प्रदेश को, और जो 51 कैंडिडेट्स आए हैं बाकी के कैंडिडेट्स कहाँ हैं, एक ये सवाल तो उठता ही है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो उत्तर भारत के, जिसमें मध्य भारत के भी वो जो 91 सीटों वाले स्टेट की हम बात कर रहे थे, इन कैंडिडेट्स को देखा जाए तो क्या यहाँ एक हड़बड़ी भी दिखाई दे रही है बीजेपी के अंदर? क्या यहाँ उस कॉन्फिडेंस को जनता के बीच लेकर जाने से पहले कि हाँ अब की बार तो हम तीसरा टर्म लेके आ ही रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाने से पहले अपने कैंडिडेट्स को उतारना इनकी मजबूरी थी, क्या कुछ दिखाई देता है? नहीं, कैंडिडेट्स को उतारने में ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। कैंडिडेट्स उनका चयन जो है, देखिए एक तो सामाजिक समीकरण को साधने का उन्होंने प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि महिलाओं के बारे में बार बार कहते हैं 33%, लेकिन अभी जो 195 सीटों में जो दिया है वो 7% से भी अधिक नहीं हो रहा, 7% का आंकड़ा बैठ रहा है। एक भी अल्पसंख्यक को आपने टिकट नहीं दिया है, ये आपकी जो प्राथमिकता है, जो बार बार चर्चा हो रही थी ना कि हिंदुत्व को छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हैं, केरल में एक है, केरल में केरल का कोई मतलब नहीं है, केरल में टिकट देने का कोई और इधर तो कोई अर्थ नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदी हार्टलैंड में आप किसी को टिकट देते हैं तो बात समझ में आती है। और दूसरा यह है कि देखिए बाकी जो 29 सीटें बची हुई हैं तो 29 में से मुझे लगता है 7-8 सीटें तो हैं जो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी के खाते में जाने वाली सीटें होंगी, जयंत चौधरी इनके खाते में जाने वाली सीटें होंगी, तो इनको निकाल दीजिए। बाकी जो सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनमें है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में आपने नहीं किया, प्रधानमंत्री आज वहां थे, बिहार के लिए नहीं किया, महाराष्ट्र के लिए नहीं किया, क्योंकि वहां पे गठबंधन का पेंच फंसा हुआ है। पिछली बार जो है बराबर बराबर सीटें लगभग जीते थे, 17 बीजेपी जीती थी, 16 नीतीश कुमार जीते थे और 6 करीब रामविलास पासवान की पार्टी जीती थी। तो अब उसमें किसको कितना देंगे, उसी में से बंटवारा करना, आपको उपेन्द्र कुशवाहा को भी देना है, उसी में से जीतन राम मांझी को भी देना है, उसी में वीआईपी वाले जो निषाद हैं वो
सहनी है, मुकेश सहनी, वो भी अगर आते हैं तो उनको भी कुछ सीटें देनी पड़ेंगी। इसमें पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार का कहना है जितनी हम जीते हैं उससे तो कम हम मानेंगे नहीं। रामविलास पासवान के बेटे और भाई दोनों कह रहे हैं कि भाई जितने हमारे पास है उससे तो कम हम मानेंगे नहीं। पशुपति पारस का दावा अलग से है, हाजीपुर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस और पशुपति ये चिराग पासवान हाजीपुर लेने पर ही एकदम तुले हुए हैं। तो ये सारी चीजें इनके यहाँ जो समस्याएं आ रही हैं, महाराष्ट्र में भी है, शिवसेना के दो धड़े में से एकनाथ शिंदे जी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, फिर अजीत पवार के एनसीपी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, ये एकोमोडेशन वाली बात जो है अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही है, क्योंकि सब अपनी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। सबको मालूम है कि बीजेपी जहां कुछ गड़बड़ किया, जहां कुछ भी सीटों में इधर उधर कम अधिक हुआ, तो बाद में विधानसभा के चुनाव में उसी को आधार बना करके कहेगी कि नहीं साहब हमारे तो इतने जीते थे तो हम इतना हमको असेंबली सीट चाहिए। तो सब जितने क्षेत्रीय दलों के जो इनके साथ जुड़े हुए हैं सब कहीं ना कहीं पर अपना दबाव बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार किसी हालत में भी मानने वाले नहीं है, मुझे नहीं लगता है। तो एक तो बड़ा कारण ये है। अच्छा, आपने किसी बात को लेकर के शायद जो पवन सिंह को चुनाव लड़ा रहे हैं आसनसोल में डिक्लेयर किया, तो आपने कहा कि अच्छे उम्मीदवार भी ला रहे हैं। अच्छे उम्मीदवार की परिभाषा क्या होनी चाहिए? सवाल है कि आप फिल्मों में बड़ा काम किया है, भोजपुरी फिल्मों के अच्छे अभिनेता हैं, आप अच्छे बहुत पैसा आपने कमाया है, लेकिन आपका राजनीति में योगदान क्या है? आपने राजनीति में क्या किया है? आसनसोल कभी आप गए थे? कभी कोई सभा की? कभी वहां के लोगों की कोई सुध ली है क्या? निरहुआ है, हमारे आजमगढ़ का सांसद है, कभी तो कह रहा था कि मैं विधि के लिखे को भी मिटा देता हूं, मिटा सकता हूं, और उसमें वो चुनाव हार गया था। अब उसके बाद वो जाकर के कभी आजमगढ़ में कोई काम नहीं कर रहा है, अब आप उसको उठा दे रहे हैं। रवि किशन है, रवि किशन का क्या योगदान है अपने क्षेत्र में, चुनाव में क्या काम किया है? तो अगर ये लोग अच्छे उम्मीदवारों की लिस्ट में आते हैं, हेमा मालिनी गोरे गाल चिकने गाल के अलावा उनके पास क्या है? हालांकि वो उम्र के हिसाब से वो भी उतना नहीं रहा, आकर्षण नहीं रह गया, अब तो कंगना रनौत की बात हो रही है। अब राजनीति को मजाक का विषय अगर बनाना है, लोकसभा में कभी एक बार हमने हेमा मालिनी जी को किसी विषय में बोलते नहीं सुना, रवि किशन को कभी सुना नहीं हमने बोलते हुए, ये लोग करेंगे क्या? ऐसे लोगों को ला करके आप जमावड़ा कर रहे हैं। और जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस के लोग रहे होंगे, जनसंघ के लोग, उनकी विचारधारा से हमारी असहमति हो सकती है, उनके जो उनकी जबान है उस जबान से हमको असहमति हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपाई है दिए में तेल डालने से लेकर के और कमल का फूल खिलाने में। उनकी जगह पे आप किसी कांग्रेसी को टिकट दे रहे हैं, किसी फिल्मी हीरो हीरोइन को टिकट दे रहे हैं, कहीं किसी क्रिकेटर को लाके खड़ा कर रहे हैं, मतलब आपने क्या बना रखा है? इसका मतलब कि जो आप बार बार कहते हैं हम 370 पार या 400 पार, वो एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है, हास्यास्पद है, और आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपका भरोसा हिला हुआ है। अगर आपका भरोसा होता तो आप नीतीश कुमार के दरवाजे नहीं जाते, भैया आ जाओ यार, माफ कर दो, आ जाओ, चलो कोई बात नहीं है, हमने तुम्हारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन चलो इस खिड़की से चले आओ। अशोक चव्हाण, तुमको हमने बहुत गालियां दी, हम कहते थे कि तुमने सैनिकों की विधवाओं के नाम पे लूट कर दिया, खसोट कर लिया, उसके पास भी जा रहे हैं कि भाई तुम भी आ ही जाओ यार, तुम्हारे साथ बिना काम नहीं चलने वाला हमारा। तो ऐसे ऐसे लोगों को, जितने भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं, राजनीति से खारिज लोग हैं, जिनके खिलाफ बोलते हुए आपकी जबान थकती नहीं थी, उन सारे लोगों को ला करके अपने पास जमा रहे हैं। और बीजेपी और जनसंघ और आरएसएस के पुराने लोग नजर टिकाए हुए देख रहे हैं कि साहब हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपना हिसाब तो लेंगे। और दूसरी बात यह है कि उम्मीदवार आपने कैसे भी दिए हो, इसका बहुत ज्यादा मायने नहीं रह जाता है। अगर जनता में असंतोष बढ़ जाता है, आक्रोश बढ़ जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति राहुल गांधी की रैलियों में दिखाई दे रही है, उनकी सभाओं में वो दिखाई दे रहा है, तो अगर जनता के इशूज अगर सामने आ जाएंगे, फोकस हो जाएंगे, तो उम्मीदवार इमेटेरियल हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और एक अलग ढंग की लहर चल गई। ऐसी लहर हमने 1977 में देखी है, श्रवण जी ने भी देखी है उस लहर को, तो उस समय भी बड़े बड़े स्टालवर्ड्स गायब हो गए, और ऐसे ऐसे लोग जीत करके आ गए जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये चुनाव भी जीत सकते हैं, लेकिन जनता ने उनको ले लिया। तो इसी तरह से जो किसान का सवाल है, जो बेरोजगार नौजवान का सवाल है, जो भ्रष्टाचार से आजीज जनता है, जो महंगाई से जार जार रो रही है जनता है, उसके जो सवाल अगर जिस तरह से राहुल गांधी लगातार उन सवालों को उठा रहे हैं, एक अच्छी बात है, और वो मुद्दों की बात कर रहे हैं,
इनका जो भी है ओबीसी पर दांव लगा रहे हैं। अब जैसे है कि आपने कहा कि साहब इतने दलितों को टिकट दिया है, इतने एसटी को दिया है, भाई जो एससी सीटें हैं, जो एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं, उन पर तो एससी और एसटी को ही तो टिकट देंगे जी। आप ये बताइए कि आपने किसी अनारक्षित सीट से किसी एससी को या एसटी को दिया है क्या, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया है पूर्वी दिल्ली में, अनारक्षित सीट से उन्होंने कुलदीप कुमार को टिकट दिया जो अनुसूचित जाति के हैं। तो अगर इस तरह का कोई आप करके दिखाते हैं कि हाँ हमारा बड़ा कमिटमेंट है, हम जी दलित को या अनुसूचित जाति को या आदिवासी को हम अनारक्षित सीट से भी जिता करके लाना चाहते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहते हैं, तो बात समझ में आती, ऐसा भी आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो है इनको भरोसा नहीं है, विश्वास इनका हिला हुआ है। और जो अति उत्साह में जो बोलते जाते हैं कि 400 के पार करेंगे, 370 के पार करेंगे, भाई आप 250 के पार आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर उस समय भी यही हालत थी, उस समय भी हम लोग जो बार बार कह रहे थे कि 200 के पार पहुंचना मुश्किल था, अगर पुलवामा नहीं होता तो, बालाकोट नहीं होता तो आपके लिए मुश्किल हो जाती थी। और इस तरह के नारे तो आप देते ही रहे हैं भाई, पश्चिम बंगाल में क्या नारा दिया 200, अब की बार 200 के पार, तो कितने पे आगे सिमट गए आप, एक तिहाई पे रह गए, 70 रह गए, वही एक तिहाई से भी कम हो गए, उससे भी कम हो गए। तो उसी तरह से आज जो आप दे रहे हैं नारे लगा रहे हैं कि यार 370 के पार, अरे लड़ेंगे कितना सीट, 400 लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये सवाल हो जाता है। तो इसलिए राजीव जी अभी बहुत चलेगा, गंगा जमुना में बहुत पानी बहेगा, अभी जब दूसरे चेहरे भी आएंगे, जब कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी गठबंधन के या आरजेडी के बैनर तले कौन कौन लोग आएंगे, हमने सुना केसरी यादव जो है वो खेसारी लाल वो भी बहुत बड़ा गायक और कलाकार है भोजपुरी फिल्मों का, वो थोड़ा सा सामाजिक चेतना के विषयों में भी जुड़ा रहता है, अगर वो भी कहीं से लड़ने की बात हो रही है, नहीं कह सकते अब क्या क्या होगा, सामने जब देखा जाएगा उसके हिसाब से बात की जाती है। लेकिन ये जो चर्चा सबसे बड़ी थी राजनीति में, एक था कि राजनाथ सिंह जी का टिकट कट सकता है, नितिन गडकरी जी का टिकट कट सकता है, तो राजनाथ सिंह का टिकट काटने की हिम्मत तो आपको हुई नहीं, आपको उनको देना पड़ा टिकट। अब नितिन गडकरी जी, क्योंकि महाराष्ट्र का मामला अभी रुका पड़ा है, तो नितिन गडकरी के बारे में लोग कयास लगा रहे हैं कि नितिन गडकरी को टिकट देंगे कि नहीं देंगे। अब नितिन गडकरी का टिकट अगर कटता है तो आपका सीधे सीधे आरएसएस के साथ कन्फ्रंटेशन होगा, ये तय मान के रहना चाहिए। तो इसलिए मेरा तो अपना यही समझ है कि इन उम्मीदवारों की लिस्ट का कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है, जनता के इशूज पे आप कितने खरे उतरते हैं, जो आपने वायदे किए हैं उन वायदों को कितना पूरा करते हैं, इन सारी महत्व इन बातों का महत्व है, और उसी को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं। जी जी, एक दबाव है, एक प्रेशर है बीजेपी पर, वो प्रेशर साफ दिखाई भी दे रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो यात्रा लेके निकले हुए हैं, और उस यात्रा के कारण लोगों का जो जनसैलाब जो दिखाई दे रहा है, उधर तेजस्वी यादव की भी यात्रा में, और कल सबसे बड़ा दिन है बिहार के लिए, क्योंकि कल पटना के गांधी मैदान में जो वहाँ का गठबंधन है, वो गठबंधन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि वहाँ से बिहार की एक राजनीति जो है वो दिखाई देगी, उसकी झलक इसलिए भी दिखाई देगी क्योंकि अब यहाँ से नीतीश कुमार बाहर जा चुके हैं। नीतीश कुमार आज कह रहे थे कि हम उधर चले गए थे, अब इधर इधर उधर नहीं करेंगे, लेकिन शायद मुस्कुराते हुए इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन ही मन यही कह रहे होंगे कि इनके डीएनए में ही ऐसा है, क्योंकि डीएनए का बात उन्होंने की बात उन्होंने कही थी, तो ये सब होगा। लेकिन तेजस्वी यादव की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, और उन्होंने कहा है कि आप जहां हैं वहीं ठीक रहिए, यहां जरूरत नहीं है, ये तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। खैर, इन सब पे कल बात करेंगे, आज चर्चा बहुत ज़्यादा हो गई, समय आप लोगों का बहुत ज़्यादा ले लिया हूं, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा, और कल का दिन बहुत बड़ा है, कल दिन भर